अबे 2 दिन हवालात की हवा खाएगा तो तेरे बाप का भी पता चल जाएगा। मरते को क्या मारते हो, खाली पीली खाई को अपना टाइम खोटी करते हो यार, यहाँ तो जेब भी खाली पेट भी खाली। Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as bidi, cigarettes, khaini, zarda, etc. or their promotion in any manner. तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80-90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने सिर्फ 1 साल मुंह का चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, मेरा ऑपरेशन हो रहा है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। ओह डार्लिंग, ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की एक भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है, जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमरीश पुरी ने अभिनय किया है। इसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था केतन मेहता ने, इसे लिखा था पार्वती बाल गोपालन ने। यह उत्पादित की गई थी केतन मेहता के द्वारा। इसमें कुल अभिनेता हैं शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें संगीत दिया था रंजीत बरोटा ने। यह वितरित हुई थी केतन मेहता प्रोडक्शन के द्वारा। यह रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये इस मूवी की लंबाई 157 मिनट है। ये हिंदी भाषा में भारत में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 2.25 करोड़ रुपये है। अब आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। डॉन क्विस्कोट यानी अमरीश पुरी एक डॉन है जो व्यापक रूप से प्रचलित नीलामी में भारत को बेचने की योजना बना रहा है। उसकी योजना सरल है, राष्ट्रपति यानी अनुपम खेर अपहरण कर ले, उसकी जगह एक हमशक्ल यानी अनुपम खेर भी ले ले, डराए और नकली राष्ट्रपति को भारत बेचने के लिए मजबूर करे। हीरो यानी शाहरुख खान बॉम्बे में नया है और टूट गया है। मिस इंडिया ने दीपा शाही उस रात को जीने में व्यस्त है। जब वह हीरो से मिलती है तो मिलते हैं और किसी भी तरह से एक दूसरे का मनोरंजन करते हुए रात बिताने का फैसला करते हैं। इस बीच डॉन विस्फोटक के बेटे प्रिंस जावेद जाफरी की निगाहें मिस इंडिया पर टिकी हैं, जो उससे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। रात हीरो और मिस इंडिया के लिए एक साहसिक रात बन जाती है। हीरो को पता चलता है कि मिस इंडिया के पिता एक शराबी हैं जो चाहते हैं कि वह बेसा व्रत में प्रवेश करे, जबकि मिस इंडिया को पता चलता है कि हीरो को ब्रेन ट्यूमर है। जब उन्हें क्विस्कोट की योजनाओं का पता चलता है तो वे राष्ट्रपति को बचाने का फैसला करते हैं। कुछ दंगों में क्विस्कोट मारा जाता है और प्रिंस उसकी गद्दी संभाल लेता है। प्रिंस अपने पिता की योजना को जारी रखने का फैसला करता है। हीरो और मिस इंडिया भेष बदल कर उस सभागार में प्रवेश करने का प्रबंध करते हैं जहाँ नीलामी हो रही है। राजकुमार अपने पिता के डॉन पोशाक में अचानक अपने अनुचरों के साथ प्रवेश करता है। हीरो, मिस इंडिया और उनके दोस्त सफलतापूर्वक क्रेनियों पर काबू पा लेते हैं। हीरो और मिस इंडिया द्वारा पहले बचाए गए कुछ लोगों ने नकली राष्ट्रपति को मार डाला, उनके मुंह में एक नली ढकेल दी जिससे उनका पेट फूल गया और फट गया। जब प्रिंस हीरो और मिस इंडिया पर हमला करता है जिससे वे दोनों कांच तोड़कर इमारत से बाहर गिर जाते हैं तो हीरो और मिस इंडिया प्रिंस के शरीर के लिए भारतीय झंडे से एक पैराशूट बनाते हैं। कूदने के दौरान राजकुमार की मौत हो जाती है। हीरो और मिस इंडिया एक ही छत पर उतरते हैं, हैंडबल डेकर बस, और हीरो ने घोषणा की कि वह जिंदा होने से खुश है। जब मिस इंडिया उसे याद दिलाती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है तो हीरो उसे बताता है कि उसने जो एक्सरे देखा था वह 1.5 साल पहले किया गया था।
शाहरुख खान ने इसमें हीरो के रूप में भूमिका निभाई है, दीपा साही ने इसमें मिस इंडिया बनी है और डॉन क्विकशॉट के रूप में अमरीश पुरी हैं, जावेद जाफरी डॉन के राजकुमार के रूप में हैं, अनुपम खेर भारत के राष्ट्रपति नाथुराम के रूप में हैं और भी इसमें बहुत सारे किरदार हैं। इस फिल्म में कुल 11 गाने हैं जिनके बोल हैं, तो इस पे मरता हूँ, पर मिला, आजा आजा, रात है कयामत, खुल्लम खुल्ला, चू लेने दे और ओ डार्लिंग, यह है इंडिया, मैं हूँ कौन, पब्लिक को हंसाओ, बाप रे बाप, प्यार भेजती हूँ, जिसे गाया था रंजीत बरोट, अलीसा चिनाय, शंकर महादेवन, हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी, नुसरत फलेह अली खान, श्वेता शेट्टी और हेमा दरसाई, शंकर महादेवन, रघुबीर यादव, विनोद राठौड़, सुदेश भोसले, जावेद जाफरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ डार्लिंग ये है इंडिया मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ओ डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है, जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमृत पुरी ने अभिनय किया है, जिसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में है। डायरेक्ट की गई थी केतन मेहता के द्वारा, प्रोड्यूस की गई थी केतन मेहता के द्वारा और ये लिखी गई थी पार्वती बलागोपालन के द्वारा। इसमें स्टारिंग थे शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें म्यूजिक दिया था रंजीत बरोट ने। यह मूवी रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। यह थी 157 मिनट की मूवी। इसका बजट था 2.25 करोड़ रुपए और ये हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें शाहरुख खान एक हीरो के रूप में थे, दीपा शाही आज मिस इंडिया के रूप में थी और अमरीश पुरी अजय डॉन क्यूस्टोन के रूप में थे, जावेद जाफरी अजय प्रिंस डॉन के रूप में थे, अनुपम खेर अजय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी नाथुराम के रूप में थे। तो चलिए बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक की। इसमें पहला सॉन्ग था तुझ पे मरता हूँ, जिसको गाया था रंजीत बरोट और अलीसा चेन्नई ने, और दूसरा सॉन्ग था पर मिला, जिसे गाया था शंकर मधुवन ने, तीसरा सॉन्ग था आजा आजा, जिसे गाया था हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी और नुसरत फतेह अली खान, चौथा सॉन्ग था रात है कयामत, जिसे गाया था श्वेता शेट्टी ने, पांचवा सॉन्ग था खुल्लम खुल्ला, जिसे गाया था शंकर माधवन हम्मा सरदेसी ने, छठा सॉन्ग था छू लेने दे, जिसे गाया था शंकर मधवन हेना सरदेसी, सातवां सॉन्ग था ओ डार्लिंग ये है इंडिया, जिसे गाया था शंकर मधवन हेमा सरदेसी, रघुवर यादव, आठवां सॉन्ग था मैं हूँ कौन, जिसे गाया था विनोद राठौड़, नवा सॉन्ग था पब्लिक को हंसाओ, जिसे गाया था शंकर महादेवन और सुरेश भोसले, दसवां सॉन्ग था बाप रे बाप, जिसे गाया था जावेद जाफरी और शंकर मधवन ने, गेरवा सॉन्ग था प्यार बेचती हूँ, जिसे गाया था हेमा सरदेसी ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल से मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल से 1998 में बनी रोमांटिक थ्रिलर हिंदी फिल्म है, जो आतंकवाद और उत्तर पूर्वी राज्यों के तनाव पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम ने किया है, वही निर्माता राम गोपाल वर्मा तथा शेखर कपूर ने योगदान किया है। यह रिलीज हुई थी 21 अगस्त 1998 को भारत में हिंदी भाषा में और असमी और तमिल भाषा में रिलीज हुई थी। इसे तमिल में उतरे तथा तेलुगु में प्रेमत्तु नाम से रिलीज किया गया था। इसके मुख्य किरदार शाहरुख खान, मनीषा कोइराला तथा नवोदित अभिनेत्री प्रीति जिंटा थे। फिल्म की पटकथा मणिरत्न ने तिग्मांशु धूलिया के साथ लिखी तथा इस फिल्म में संगीत एआर रहमान ने दिया था तथा गीत को गुलजार ने कलमबंद किया था। यह रोचक संयोग है कि मणिरत्न की पिछली आतंकवाद विषय पर बनी रोजा और बॉम्बे के बाद यह तीसरी उनकी प्रस्तुत थी। फिल्म को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 6 फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। संगीतकार एआर रहमान को इसके लिए उस साल का फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। अमरकांत वर्मा यानी शाहरुख खान ऑल इंडिया रेडियो के लिए कार्यक्रम कार्यकारी है, जो नई दिल्ली आसमां में उत्सव को कवर करने के लिए भेजा जाता है। अपने रास्ते में एक बरसात की रात के दौरान अमर बाराग घाटी एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए हाफलोंग स्टेशन ट्रेन पर रुकता है। हाफलोंग ट्रेन स्टेशन पर रुकता है। जब वह इंतजार करता है तो वह धूम्रपान करने की कोशिश करता है और एक रहस्यमय व्यक्ति से मैच या लाइटर के लिए पूछता है। अचानक हवा का एक तेज झोंका उस व्यक्ति यानी मनीषा कोइराला को एक महिला होने का खुलासा करते हुए साल से उड़ा देता है। अमर उसे बहुत आकर्षक लगता है और बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे थोड़ा अनदेखा करता है और फिर उससे एक कप चाय मांगता है। जब वह चाय लेकर लौटता है तो वह देखता है कि वह अगली ट्रेन में 3 पुरुष यात्रियों के साथ सवार है और दूसरी और दूर तक सवारी करता है। बाद में अमर ने उसी महिला को सिलचर में स्पॉट किया। वह उससे बात करने का प्रयास करता है, लेकिन वह कहती है कि वह उससे पहले याद नहीं कर सकती।
भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के अवसर पर आपने समाचार रिपोर्टिंग असाइनमेंट के हिस्से के रूप में अमर असम के कई नागरिकों और एक चरमपंथी प्रमुख गौतम बोरा का साक्षात्कार लेते हैं, जो दावा करते हैं कि इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन और गरीबी के कारण भारत सरकार और यह की मुक्तिदत्ता सरकार के साथ किसी भी तरह के संवाद में प्रवेश करने की इच्छा नहीं रखते हैं और आगे उत्तर पूर्व में अपने प्रतिरोध को सही ठहराते हैं। कुछ हफ्तों बाद अमर ने रेडियो पर महिला के साथ अपनी मुठभेड़ का वर्णन किया, जिससे वह सुनती है और फिर से उसे एक पोस्ट ऑफिस में स्पॉट करता है। इस मोड़ पर वह उसे अकेले छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे घर तक पीछा करता है और उसे बताता है कि वह उसके साथ प्यार में है। वह प्रतिरोध करती है और अमर को बताती है कि वह शादीशुदा है, मगर अमर उससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन वह दो पुरुषों के साथ आता है जो उसे बेहोश कर देते हैं। पिटाई के दौरान अमर को पता चलता है कि पुरुष संभवतः उसके भाई हैं और उसने उसे शादी करने के बारे में झूठ बोला था। वह अपने घर पहुंचता है और स्थानीय लोगों से सीखता है कि उसने जगह छोड़ दी है। उसके बाद अमर डाकघर जाता है, वहां उसने शुरुआत में देखा और पीसीओ मालिक को उसका संपर्क ब्यूरो देने के लिए रिश्वत दी और उसे पता चला कि वह लद्दाख को फोन कर रहा है। इसके बाद अमर लेह की यात्रा करता है और सिंध दर्शन महोत्सव की रिकॉर्डिंग करते समय एक आत्मघाती हमलावर को सेना द्वारा मार दिया जाता है और अमर महिला को फिर से गोली मार देता है। जैसा कि महिला और अमर बोर्ड एक बस में हैं, सैन्य अधिकारियों ने प्रत्येक यात्री से सवाल किया कि बस को छोड़ने की अनुमति है या नहीं, जबकि अमर ने अधिकारियों को बताया कि वह त्यौहार पर वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है। महिला अपने फायदे के लिए अमर का इस्तेमाल करती है और अधिकारियों को बताती है कि अमर उसका पति है। कुछ यात्रा के बाद बस छूट जाती है और यात्रियों को पास के गांव तक पैदल जाना पड़ता है। एन मार्ग अमर ने महिला को अपना नाम प्रकट करने के लिए मजबूर किया मेघना। दोनों एक साथ यात्रा करते हैं और पुनराव्रत करते हैं। सुबह में अमर मेघना को खोजने के लिए उठा, बाद में यह पता चलता है कि मेघना एक रिबेलियनिस्ट समूह का हिस्सा है जिसने आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली में कई आत्मघाती हमलों की योजना बनाई है। अमर दिल्ली में अपने घर लौटता है, जहां उसके परिवार ने केरल की प्रीति नायर यानी प्रीति जिंटा को उसके लिए एक संभावित दुल्हन के रूप में पाया है। अमर प्रीति से शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं है कि वह कभी मेघना से दोबारा मिल पाएगा। प्रीति के साथ अपनी डेट पर अमर ने मेघना को सहयोगियों से एक किम को स्पॉट किया, जिसने उसे पहले गायब कर दिया था, मगर उसका पीछा कनॉट प्लेस तक किया, जहां स्थानीय पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद वह व्यक्ति खुद को साइनाइड की गोली से मारता है। स्थित के उग्रवादी प्रकट के कारण पुलिस घटना को सीबीआई को सौंप देती है। अमर के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, मेघना दिल्ली में दिखाई देती है और अमर से आलिया के रेडियो ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी पाने में मदद करने के लिए कहती है। बाद में यह पता चलता है कि मेघना वास्तव में अपने आतंकवादी समूह के साथ दिल्ली पहुंचती है और ओह डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की एक भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है, जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमरीश पुरी ने अभिनय किया है। इसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था केतन मेहता ने, इसे लिखा था पार्वती बाल गोपालन ने। ये उत्पादित की गई थी केतन मेहता के द्वारा। इसमें कुल अभिनेता हैं शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें संगीत दिया था रंजीत बरोटा ने। यह वितरित हुई थी केतन मेहता प्रोडक्शन के द्वारा। हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये इस मूवी की लंबाई 157 मिनट है। ये हिंदी भाषा में भारत में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 2.25 करोड़ रुपए है। अब आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। डॉन क्विस्कोट यानी अमरीश पुरी एक डॉन है, जो व्यापक रूप से प्रचलित नीलामी में भारत को बेचने की योजना बना रहा है। उसकी योजना सरल है, राष्ट्रपति यानी अनुपम खेर का अपहरण कर ले, उसकी जगह एक हमशक्ल यानी अनुपम खेर भी ले ले, डराए और नकली राष्ट्रपति को भारत बेचने के लिए मजबूर करे। हीरो यानी शाहरुख खान बॉम्बे में नया है और टूट गया है। मिस इंडिया ने दीपा शाही उस रात को जीने में व्यस्त है। जब वह हीरो से मिलती है तो मिलते हैं और किसी भी तरह से एक दूसरे का मनोरंजन करते हुए रात बिताने का फैसला करते हैं। इस बीच डॉन विस्फोटक के बेटे प्रिंस जावेद जाफरी की निगाहें मिस इंडिया पर टिकी हैं, जो उससे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। रात हीरो और मिस इंडिया के लिए एक साहसिक रात बन जाती है। हीरो को पता चलता है कि मिस इंडिया के पिता एक शराबी हैं, जो चाहते हैं कि वह बेसा व्रत में प्रवेश करे, जबकि मिस इंडिया को पता चलता है कि हीरो को ब्रेन ट्यूमर है। जब उन्हें क्विस्कोट की योजनाओं का पता चलता है तो वे राष्ट्रपति को बचाने का फैसला करते हैं। कुछ दंगों में क्विस्कोट मारा जाता है और प्रिंस उसकी गद्दी संभाल लेता है। प्रिंस अपने पिता की योजना को जारी रखने का फैसला करता है। हीरो और मिस इंडिया भेष बदल कर उस सभागार में प्रवेश करने का प्रबंध करते हैं, जहाँ नीलामी हो रही है। राजकुमार अपने पिता के डॉन पोशाक में अचानक अपने अनुचरों के साथ प्रवेश करता है। हीरो, मिस इंडिया और उनके दोस्त सफलतापूर्वक क्रेनियों पर काबू पा लेते हैं। हीरो और मिस इंडिया द्वारा पहले बचा
बचाए गए कुछ लोगों ने नकली राष्ट्रपत को मार डाला। उनके मुंह में एक नली ढकेल दी जिससे उनका पेट फूल गया और फट गया। जब प्रिंस हीरो और मिस इंडिया पर हमला करता है जिससे वे दोनों कांच तोड़कर इमारत से बाहर गिर जाते हैं, तो हीरो और मिस इंडिया प्रिंस के शरीर के लिए भारतीय झंडे से एक पैराशूट बनाते हैं। कूदने के दौरान राजकुमार की मौत हो जाती है। हीरो और मिस इंडिया एक ही छत पर उतरते हैं, हैंडबल डेकर बस, और हीरो ने घोषणा की कि वह जिंदा होने से खुश है। जब मिस इंडिया उसे याद दिलाती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, तो हीरो उसे बताता है कि उसने जो एक्सरे देखा था वह 1.5 साल पहले किया गया था। शाहरुख खान ने इसमें हीरो के रूप में भूमिका निभाई है, दीपा साही ने इसमें मिस इंडिया बनी है, और डॉन क्विकशॉट के रूप में अमरीश पुरी हैं, जावेद जाफरी डॉन के राजकुमार के रूप में हैं, अनुपम खेर भारत के राष्ट्रपति नाथुराम के रूप में हैं, और भी इसमें बहुत सारे किरदार हैं। इस फिल्म में कुल 11 गाने हैं जिनके बोल हैं, तो इस पे मरता हूं, पर मिला, आजा आजा, रात है कयामत, खुल्लम खुल्ला, चू लेने दे, और ओ डार्लिंग ये है इंडिया, मैं हूँ कौन, पब्लिक को हंसाओ, बाप रे बाप, प्यार बेचती हूँ, जिसे गाया था रंजीत बरोट, अलीसा चिनाय, शंकर महादेवन, हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी, नुसरत फले अली खान, श्वेता शेट्टी और हेमा दरसाई, शंकर महादेवन, रघुबीर यादव, विनोद राठौड़, सुदेश भोसले, जावेद जाफरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ डार्लिंग ये है इंडिया मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ओ डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है, जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमृत पुरी ने अभिनय किया है, जिसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में है। ये डायरेक्ट की गई थी केतन मेहता के द्वारा, प्रोड्यूस की गई थी केतन मेहता के द्वारा, और ये लिखी गई थी पार्वती बलागोपालन के द्वारा। इसमें स्टारिंग थे शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें म्यूजिक दिया था रंजीत बरोट ने। यह मूवी रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये थी 157 मिनट की मूवी। इसका बजट था 2.25 करोड़ रुपए और ये हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें शाहरुख खान एक हीरो के रूप में थे, दीपा शाही आज मिस इंडिया के रूप में थी, और अमरीश पुरी अजय डॉन क्यूस्टोन के रूप में थे, जावेद जाफरी अजय प्रिंस डॉन के रूप में थे, अनुपम खेर अजय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी नाथुराम के रूप में थे। तो चलिए बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक की। इसमें पहला सॉन्ग था तुझ पे मरता हूँ, जिसको गाया था रंजीत बरोट और अलीसा चेन्नई ने, और दूसरा सॉन्ग था पर मिला, जिसे गाया था शंकर मधुवन ने, तीसरा सॉन्ग था आजा आजा, जिसे गाया था हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी और नुसरत फतेह अली खान, चौथा सॉन्ग था रात है कयामत, जिसे गाया था श्वेता शेट्टी ने, पाँचवा सॉन्ग था लम खुल्ला, जिसे गाया था शंकर माधवन हम्मा सरदेसी ने, छठा सॉन्ग था छू लेने दे, जिसे गाया था शंकर मधवन हेना सरदेसी, सातवां सॉन्ग था ओ डार्लिंग ये है इंडिया, जिसे गाया था शंकर मधवन हेमा सरदेसी, रघुवर यादव, आठवां सॉन्ग था मैं हूँ कौन, जिसे गाया था विनोद राठौड़, नवा सॉन्ग था पब्लिक को हंसाओ, जिसे गाया था शंकर महादेवन और सुरेश भोसले, दसवां सॉन्ग था बाप रे बाप, जिसे गाया था जावेद जाफरी और शंकर मधवन ने, ग्यारहवां सॉन्ग था प्यार बेचती हूँ, जिसे गाया था हेमा सरदेसी ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल से मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल से 1998 में बनी रोमांटिक थ्रिलर हिंदी फिल्म है, जो आतंकवाद और उत्तर पूर्वी राज्यों के तनाव पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम ने किया है, वही निर्माता राम गोपाल वर्मा तथा शेखर कपूर ने योगदान किया है। यह रिलीज हुई थी 21 अगस्त 1998 को भारत में हिंदी भाषा में और असमी और तमिल भाषा में रिलीज हुई थी। इसे तमिल में उतरे तथा तेलुगु में प्रेमत्तु नाम से रिलीज किया गया था। इसके मुख्य किरदार शाहरुख खान, मनीषा कोइराला तथा नवोदित अभिनेत्री प्रीति जिंटा थे। फिल्म की पटकथा मणिरत्न ने तिग्मांशु धूलिया के साथ लिखी तथा इस फिल्म में संगीत A.R. रहमान ने दिया था तथा गीत को गुलजार ने कलमबंद किया था। यह रोचक संयोग है कि मणिरत्न की पिछली आतंकवाद विषय पर बनी रोजा और बॉम्बे के बाद यह तीसरी उनकी प्रस्तुत थी। फिल्म को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 6 फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। संगीतकार A.R. रहमान को इसके लिए उस साल का फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। अमरकांत वर्मा यानी शाहरुख खान ऑल इंडिया रेडियो के लिए कार्यक्रम कार्यकारी है, जो नई दिल्ली आसमा में उत्सवों को कवर करने के लिए भेजा जाता है। अपने रास्ते में एक बरसात की रात के दौरान अमर बाराघाटी एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए हाफलोंग स्टेशन ट्रेन पर रुकता है।
हाफ लोन ट्रेन स्टेशन पर रुकता है। जब वह इंतजार करता है तो वह धूम्रपान करने की कोशिश करता है और एक रहस्यमय व्यक्ति से मैच या लाइटर के लिए पूछता है। अचानक हवा का एक तेज झोंका उस व्यक्ति यानी मनीषा कोयराल को एक महिला होने का खुलासा करते हुए साल से उड़ा देता है। अमर उसे बहुत आकर्षक लगता है और बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे थोड़ा अनदेखा करता है और फिर उससे एक कप चाय मांगता है। जब वह चाय लेकर लौटता है तो वह देखता है कि वह अगली ट्रेन में 3 पुरुष यात्रियों के साथ सवार है और दूर तक सवारी करता है। बाद में अमर ने उसी महिला को सिलचर में स्पॉट किया। वह उससे बात करने का प्रयास करता है, लेकिन वह कहती है कि वह उससे पहले याद नहीं कर सकती। भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के अवसर पर आपने समाचार रिपोर्टिंग असाइनमेंट के हिस्से के रूप में अमर असम के कई नागरिकों और एक चरमपंथी प्रमुख गौतम बोरा का साक्षात्कार लेते हैं, जो दावा करते हैं कि इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन और गरीबी के कारण भारत सरकार और यह की मुक्तिदाता सरकार के साथ किसी भी तरह के संवाद में प्रवेश करने की इच्छा नहीं रखते हैं और आगे उत्तर पूर्व में अपने प्रतिरोध को सही ठहराते हैं। कुछ हफ्तों बाद अमर ने रेडियो पर महिला के साथ अपनी मुठभेड़ का वर्णन किया, जिसे वह सुनती है और फिर से उसे एक पोस्ट ऑफिस में स्पॉट करता है। इस मोड़ पर वह उसे अकेले छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे घर तक पीछा करता है और उसे बताता है कि वह उसके साथ प्यार में है। वह प्रतिरोध करती है और अमर को बताती है कि वह शादीशुदा है, मगर अमर उससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन वह 2 पुरुषों के साथ आता है जो उसे बेहोश कर देते हैं। पिटाई के दौरान अमर को पता चलता है कि पुरुष संभवतः उसके भाई हैं और उसने उसे शादी करने के बारे में झूठ बोला था। वह अपने घर पहुंचता है और स्थानीय लोगों से सीखता है कि उसने जगह छोड़ दी है। उसके बाद अमर डाकघर जाता है। वहां उसने शुरुआत में देखा और पीसीओ मालिक को उसका संपर्क ब्यूरो देने के लिए रिश्वत दी और उसे पता चला कि वह लद्दाख को फोन कर रहा है। इसके बाद अमर लेह की यात्रा करता है और सिंध दर्शन महोत्सव की रिकॉर्डिंग करते समय एक आत्मघाती हमलावर को सेना द्वारा मार दिया जाता है और अमर महिला को फिर से गोली मार देता है। जैसा कि महिला और अमर बोर्ड एक बस में हैं, सैन्य अधिकारियों ने प्रत्येक यात्री से सवाल किया कि बस को छोड़ने की अनुमति है या नहीं, जबकि अमर ने अधिकारियों को बताया कि वह त्यौहार पर वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है। महिला अपने फायदे के लिए अमर का इस्तेमाल करती है और अधिकारियों को बताती है कि अमर उसका पति है। कुछ यात्रा के बाद बस छूट जाती है और यात्रियों को पास के गांव तक पैदल जाना पड़ता है। एनमार्ग अमर ने महिला को अपना नाम प्रकट करने के लिए मजबूर किया, मेघना। दोनों एक साथ यात्रा करते हैं और पुनराव्रत करते हैं। सुबह में अमर मेघना को खोजने के लिए उठा। बाद में यह पता चलता है कि मेघना एक रिबिलिटेशन समूह का हिस्सा है, जिसने आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली में कई आत्मघाती हमलों की योजना बनाई है। अमर दिल्ली में अपने घर लौटता है, जहां उसके परिवार ने केरल की प्रीति नायर यानी प्रीति जिंटा को उसके लिए एक संभावित दुल्हन के रूप में पाया है। अमर प्रीति से शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं है कि वह कभी मेघना से दोबारा मिल पाएगा। प्रीति के साथ अपनी डेट पर अमर ने मेघना को सहयोगियों से एक किम को स्पॉट किया, जिसने उसे पहले गायब कर दिया था, मगर उसका पीछा कनॉट प्लेस तक किया, जहां स्थानीय पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद वह व्यक्ति खुद को साइनाइड की गोली से मारता है। स्थित के उग्रवादी प्रकट के कारण पुलिस घटना को सीबीआई को सौंप देती है। अमर के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, मेघना दिल्ली में दिखाई देती है और अमर से आलिया के रेडियो ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी पाने में मदद करने के लिए कहती है। बाद में यह पता चलता है कि मेघना वास्तव में अपने आतंकवादी समूह के साथ दिल्ली पहुंचती है और ओह डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की एक भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है, जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमरीश पुरी ने अभिनय किया है। इसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था केतन मेहता ने, इसे लिखा था पार्वती बाल गोपालन ने। ये उत्पादित की गई थी केतन मेहता के द्वारा। इसमें कुल अभिनेता हैं शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें संगीत दिया था रंजीत बरोटा ने। ये वितरित हुई थी केतन मेहता प्रोडक्शन के द्वारा। ये रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये इस मूवी की लंबाई 157 मिनट है। ये हिंदी भाषा में भारत में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 2.25 करोड़ रुपये है। अब आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। डॉन क्विस्कोट यानी अमरीश पुरी एक डॉन है, जो व्यापक रूप से प्रचलित नीलामी में भारत को बेचने की योजना बना रहा है। उसकी योजना सरल है, राष्ट्रपति यानी अनुपम खेर अपहरण कर ले, उसकी जगह एक हमशक्ल यानी अनुपम खेर भी ले ले, डराए और नकली राष्ट्रपति को भारत बेचने के लिए मजबूर करे। हीरो यानी शाहरुख खान बॉम्बे में नया है।
और टूट गया है। मिस इंडिया ने दीपा शाही उस रात को जीने में व्यस्त है। जब वह हीरो से मिलती है तो मिलते हैं और किसी भी तरह से एक दूसरे का मनोरंजन करते हुए रात बिताने का फैसला करते हैं। इस बीच डॉन विस्फोटक के बेटे प्रिंस एलिजाबेथ जाफरी की निगाहें मिस इंडिया पर टिकी हैं, जो उससे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। रात हीरो और मिस इंडिया के लिए एक साहसिक रात बन जाती है। हीरो को पता चलता है कि मिस इंडिया के पिता एक शराबी हैं जो चाहते हैं कि वह बेसा व्रत में प्रवेश करे, जबकि मिस इंडिया को पता चलता है कि हीरो को ब्रेन ट्यूमर है। जब उन्हें क्विकशॉट की योजनाओं का पता चलता है तो वे राष्ट्रपति को बचाने का फैसला करते हैं। कुछ दंगों में क्विकशॉट मारा जाता है और प्रिंस उसकी गद्दी संभाल लेता है। प्रिंस अपने पिता की योजना को जारी रखने का फैसला करता है। हीरो और मिस इंडिया भेष बदल कर उस सभागार में प्रवेश करने का प्रबंध करते हैं जहाँ नीलामी हो रही है। राजकुमार अपने पिता के डॉन पोशाक में अचानक अपने अनुचरों के साथ प्रवेश करता है। हीरो मिस इंडिया और उनके दोस्त सफलतापूर्वक क्रेनियों पर काबू पा लेते हैं। हीरो और मिस इंडिया द्वारा पहले बचाए गए कुछ लोगों ने नकली राष्ट्रपति को मार डाला, उनके मुंह में एक नली ढकेल दी जिससे उनका पेट फूल गया और फट गया। जब प्रिंस हीरो और मिस इंडिया पर हमला करता है जिससे वे दोनों कांच तोड़कर इमारत से बाहर गिर जाते हैं, तो हीरो और मिस इंडिया प्रिंस के शरीर के लिए भारतीय झंडे से एक पैराशूट बनाते हैं। कूदने के दौरान राजकुमार की मौत हो जाती है। हीरो और मिस इंडिया एक ही छत पर उतरते हैं हैंडबल डेकर बस, और हीरो ने घोषणा की कि वह जिंदा होने से खुश है। जब मिस इंडिया उसे याद दिलाती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है तो हीरो उसे बताता है कि उसने जो एक्सरे देखा था वह 1.5 साल पहले किया गया था। शाहरुख खान ने इसमें हीरो के रूप में भूमिका निभाई है। दीपा शाही ने इसमें मिस इंडिया बनी है और डॉन क्विकशॉट के रूप में अमरीश पुरी हैं। जावेद जाफरी डॉन के राजकुमार के रूप में हैं। अनुपम खेर भारत के राष्ट्रपति नाथुराम के रूप में हैं। और भी इसमें बहुत सारे किरदार हैं। इस फिल्म में कुल 11 गाने हैं जिनके बोल हैं तो इस पे मरता हूं, पर मिला, आजा आजा, रात है कयामत, खुल्लम खुल्ला, चू लेने दे और ओ डार्लिंग ये है इंडिया, मैं हूँ कौन, पब्लिक को हंसाओ, बाप रे बाप, प्यार बेचती हूँ, जिसे गाया था रंजीत बरोट, अली सचिनाय, शंकर महादेवन, हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी, नुसरत फले अली खान, श्वेता शेट्टी और हेमा दरसाई, शंकर महादेवन, रघुबीर यादव, विनोद राठौड़, सुदेश भोसले, जावेद जाफरी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ डार्लिंग ये है इंडिया मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ओ डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमृत पुरी ने अभिनय किया है, जिसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में है। ये डायरेक्ट की गई थी केतन मेहता के द्वारा, प्रोड्यूस की गई थी केतन मेहता के द्वारा और ये लिखी गई थी पार्वती बलागोपालन के द्वारा। इसमें स्टारिंग थे शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें म्यूजिक दिया था रंजीत बरोट ने। ये मूवी रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये थी 157 मिनट की मूवी। इसका बजट था 2.25 करोड़ रुपए और ये हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें शाहरुख खान एक हीरो के रूप में थे, दीपा शाही आज मिस इंडिया के रूप में थी और अमरीश पुरी अजय डॉन क्यूस्टोन के रूप में थे, जावेद जाफरी अजय प्रिंस डॉन के रूप में थे, अनुपम खेर अजय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी नाथुराम के रूप में थे। तो चलिए बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक की। इसमें पहला सॉन्ग था तुझ पे मरता हूँ जिसको गाया था रंजीत बरोट और अलीसा चेन्नई ने, और दूसरा सॉन्ग था पर मिला जिसे गाया था शंकर मधुवन ने, तीसरा सॉन्ग था आजा आजा जिसे गाया था हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी और नुसरत फतेह अली खान, चौथा सॉन्ग था रात है कयामत जिसे गाया था श्वेता शेट्टी ने, पांचवा सॉन्ग था खुल्लम खुल्ला जिसे गाया था शंकर माधवन हम्मा सरदेसी ने, छठा सॉन्ग था छू लेने दे जिसे गाया था शंकर मधवन हेना सरदेसी, सातवां सॉन्ग था ओ डार्लिंग ये है इंडिया जिसे गाया था शंकर मधवन हेमा सरदेसी रघुवर यादव, आठवां सॉन्ग था मैं हूँ कौन जिसे गाया था विनोद राठौड़, नवा सॉन्ग था पब्लिक को हंसाओ जिसे गाया था शंकर महादेवन और सुरेश भोसले, दसवां सॉन्ग था बाप रे बाप जिसे गाया था जावेद जाफरी और शंकर मधवन ने, गेरवा सॉन्ग था प्यार बेचती हूँ जिसे गाया था हेमा सरदेसी ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल से मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल से 1998 में बनी रोमांटिक थ्रिलर हिंदी फिल्म है जो आतंकवाद और उत्तर पूर्वी राज्यों के तनाव पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम ने किया है, वही निर्माता रामगोपाल वर्मा तथा शेखर कपूर ने योगदान किया है। ये रिलीज हुई थी 21 अगस्त 1998 को भारत में हिंदी भाषा में और असमी और तमिल भाषा में रिलीज हुई थी। इसे तमिल में उतरे तथा तेलुगु में प्रेमत्तु नाम से रिलीज किया गया था।
इसके मुख्य किरदार शाहरुख खान, मनीषा कोइराला तथा नवोदित अभिनेत्री प्रीति जिंटा थे। फिल्म की पटकथा मणिरत्न ने तिग्मांशु धूलिया के साथ लिखी तथा इस फिल्म में संगीत एआर रहमान ने दिया था तथा गीत को गुलजार ने कलमबंद किया था। यह रोचक संयोग है कि मणिरत्न की पिछली आतंकवाद विषय पर बनी रोजा और बॉम्बे के बाद यह तीसरी उनकी प्रस्तुत थी। फिल्म को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 6 फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। संगीतकार एआर रहमान को इसके लिए उस साल का फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। अमरकांत वर्मा यानी शाहरुख खान ऑल इंडिया रेडियो के लिए कार्यक्रम कार्यकारी है, जो नई दिल्ली आसमा में उस शो को कवर करने के लिए भेजा जाता है। अपने रास्ते में एक बरसात की रात के दौरान अमर बाराग घाटी एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए हाफलोंग स्टेशन ट्रेन पर रुकता है। हाफलोंग ट्रेन स्टेशन पर रुकता है। जब वह इंतजार करता है तो वह धूम्रपान करने की कोशिश करता है और एक रहस्यमय व्यक्ति से मैच या लाइटर के लिए पूछता है। अचानक हवा का एक तेज झोंका उस व्यक्ति यानी मनीषा कोइराल को एक महिला होने का खुलासा करते हुए साल से उड़ा देता है। अमर उसे बहुत आकर्षक लगता है और बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे थोड़ा अनदेखा करता है और फिर उससे एक कप चाय मांगता है। जब वह चाय लेकर लौटता है तो वह देखता है कि वह अगली ट्रेन में 3 पुरुष यात्रियों के साथ सवार है और दूसरी और दूर तक सवारी करता है। बाद में अमर ने उसी महिला को सिलचर में स्पॉट किया। वह उससे बात करने का प्रयास करता है, लेकिन वह कहती है कि वह उससे पहले याद नहीं कर सकती। भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के अवसर पर आपने समाचार रिपोर्टिंग असाइनमेंट के हिस्से के रूप में अमर असम के कई नागरिकों और एक चरमपंथी प्रमुख गौतम बोरा का साक्षात्कार लेते हैं, जो दावा करते हैं कि इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन और गरीबी के कारण भारत सरकार और यह कि मुक्तिदत्ता सरकार के साथ किसी भी तरह के संवाद में प्रवेश करने की इच्छा नहीं रखते हैं और आगे उत्तर पूर्व में अपने प्रतिरोध को सही ठहराते हैं। कुछ हफ्तों बाद अमर ने रेडियो पर महिला के साथ अपनी मुठभेड़ का वर्णन किया, जिससे वह सुनती है और फिर से उसे एक पोस्ट ऑफिस में स्पॉट करता है। इस मोड़ पर वह उसे अकेले छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे घर तक पीछा करता है और उसे बताता है कि वह उसके साथ प्यार में है। वह प्रतिरोध करती है और अमर को बताती है कि वह शादीशुदा है, मगर अमर उससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन वह 2 पुरुषों के साथ आता है जो उसे बेहोश कर देते हैं। पिटाई के दौरान अमर को पता चलता है कि पुरुष संभवतः उसके भाई हैं और उसने उसे शादी करने के बारे में झूठ बोला था। वह अपने घर पहुंचता है और स्थानीय लोगों से सीखता है कि उसने जगह छोड़ दी है। उसके बाद अमर डाकघर जाता है। वहां उसने शुरुआत में देखा और पीसीओ मालिक को उसका संपर्क ब्यौरा देने के लिए रिश्वत दी और उसे पता चला कि वह लद्दाख को फोन कर रहा है। इसके बाद अमर लेह की यात्रा करता है और सिंध दर्शन महोत्सव की रिकॉर्डिंग करते समय एक आत्मघाती हमलावर को सेना द्वारा मार दिया जाता है और अमर महिला को फिर से गोली मार देता है। जैसा कि महिला और अमर बोर्ड एक बस में हैं, सैन्य अधिकारियों ने प्रत्येक यात्री से सवाल किया कि बस को छोड़ने की अनुमति है या नहीं, जबकि अमर ने अधिकारियों को बताया कि वह त्यौहार पर वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है। महिला अपने फायदे के लिए अमर का इस्तेमाल करती है और अधिकारियों को बताती है कि अमर उसका पति है। कुछ यात्रा के बाद बस छूट जाती है और यात्रियों को पास के गांव तक पैदल जाना पड़ता है। एन मार्ग अमर ने महिला को अपना नाम प्रकट करने के लिए मजबूर किया मेघना। दोनों एक साथ यात्रा करते हैं और पुनराव्रत करते हैं। सुबह में अमर मेघना को खोजने के लिए उठा। बाद में यह पता चलता है कि मेघना एक रिबलेटनी समूह का हिस्सा है, जिसने आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली में कई आत्मघाती हमलों की योजना बनाई है। अमर दिल्ली में अपने घर लौटता है, जहां उसके परिवार ने केरल की प्रीति नायर यानी प्रीति जिंटा को उसके लिए एक संभावित दुल्हन के रूप में पाया है। अमर प्रीति से शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं है कि वह कभी मेघना से दोबारा मिल पाएगा। प्रीति के साथ अपनी डेट पर अमर ने मेघना को सहयोगियों से एक किम को स्पॉट किया, जिसने उसे पहले गायब कर दिया था, मगर उसका पीछा कनॉट प्लेस तक किया, जहां स्थानीय पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद वह व्यक्ति खुद को साइनाइड की गोली से मारता है। स्थिति की उग्रवादी प्रकट के कारण पुलिस घटना को सीबीआई को सौंप देती है। अमर के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, मेघना दिल्ली में दिखाई देती है और अमर से आलिया के रेडियो ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी पाने में मदद करने के लिए कहती है। बाद में पता चलता है कि मेघना वास्तव में अपने आतंकवादी समूह के साथ दिल्ली पहुंचती है और ओह डार्लिंग यह है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की एक भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है, जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमरीश पुरी ने अभिनय किया है। इसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था केतन मेहता ने, इसे लिखा था पार्वती बाल गोपालन ने। यह उत्पादित की गई थी केतन मेहता के द्वारा। इसमें कुल अभिनेता हैं शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें संगीत दिया था रंजीत बरोटा ने। यह वितरित हुई थी केतन मेहता प्रोडक्शन के द्वारा। यह रिलीज
ज्योति 11 अगस्त 1995 को। ये इस मूवी की लंबाई 157 मिनट है। ये हिंदी भाषा में भारत में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 2.25 करोड़ रुपए है। अब आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। डॉन क्विस्कोट यानी अमरीश पुरी एक डॉन है जो व्यापक रूप से प्रचलित नीलामी में भारत को बेचने की योजना बना रहा है। उसकी योजना सरल है, राष्ट्रपति यानी अनुपम खेर का अपहरण कर ले, उसकी जगह एक हमशक्ल यानी अनुपम खेर भी ले ले, डराए और नकली राष्ट्रपति को भारत बेचने के लिए मजबूर करे। हीरोइन शाहरुख खान बॉम्बे में नया है और टूट गया है। मिस इंडिया ने दीपा शाही उस रात को जीने में व्यस्त है। जब वह हीरो से मिलती है तो मिलते हैं और किसी भी तरह से एक दूसरे का मनोरंजन करते हुए रात बिताने का फैसला करते हैं। इस बीच डॉन विस्फोटक के बेटे प्रिंस एलिजाबेथ जाफरी की निगाहें मिस इंडिया पर टिकी हैं जो उससे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। रात हीरो और मिस इंडिया के लिए एक साहसिक रात बन जाती है। हीरो को पता चलता है कि मिस इंडिया के पिता एक शराबी हैं जो चाहते हैं कि वह बेसा व्रत में प्रवेश करे, जबकि मिस इंडिया को पता चलता है कि हीरो को ब्रेन ट्यूमर है। जब उन्हें क्विस्कोट की योजनाओं का पता चलता है तो वे राष्ट्रपति को बचाने का फैसला करते हैं। कुछ दंगों में क्विस्कोट मारा जाता है और प्रिंस उसकी गद्दी संभाल लेता है। प्रिंस अपने पिता की योजना को जारी रखने का फैसला करता है। हीरो और मिस इंडिया भेष बदल कर उस सभागार में प्रवेश करने का प्रबंध करते हैं जहाँ नीलामी हो रही है। राजकुमार अपने पिता के डॉन पोशाक में अचानक अपने अनुचरों के साथ प्रवेश करता है। हीरो मिस इंडिया और उनके दोस्त सफलतापूर्वक क्रेनियों पर काबू पा लेते हैं। हीरो और मिस इंडिया द्वारा पहले बचाए गए कुछ लोगों ने नकली राष्ट्रपति को मार डाला, उनके मुंह में एक नली ढकेल दी जिससे उनका पेट फूल गया और फट गया। जब प्रिंस हीरो और मिस इंडिया पर हमला करता है जिससे वे दोनों कांच तोड़कर इमारत से बाहर गिर जाते हैं तो हीरो और मिस इंडिया प्रिंस के शरीर के लिए भारतीय झंडे से एक पैराशूट बनाते हैं। कूदने के दौरान राजकुमार की मौत हो जाती है। हीरो और मिस इंडिया एक ही छत पर उतरते हैं हैंडबल डेकर बस और हीरो ने घोषणा की कि वह जिंदा होने से खुश है। जब मिस इंडिया उसे याद दिलाती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है तो हीरो उसे बताता है कि उसने जो एक्सरे देखा था वह 1.5 साल पहले किया गया था। शाहरुख खान ने इसमें हीरो के रूप में भूमिका निभाई है। दीपा शाही ने इसमें मिस इंडिया बनी है और डॉन क्विस्कोट के रूप में अमरीश पुरी हैं। जावेद जाफरी डॉन के राजकुमार के रूप में हैं। अनुपम खेर भारत के राष्ट्रपति नाथुराम के रूप में हैं। और भी इसमें बहुत सारे किरदार हैं। इस फिल्म में कुल 11 गाने हैं जिनके बोल हैं तो इस पे मरता हूँ, पर मिला, आजा आजा, रात है कयामत, खुल्लम खुल्ला, चू लेने दे और ओ डार्लिंग ये है इंडिया, मैं हूँ कौन, पब्लिक को हंसाओ, बाप रे बाप, प्यार भेजती हूँ, जिसे गाया था रंजीत बरोट, अलीसा चिनाय, शंकर महादेवन, हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी, नुसरत फलेह अली खान, श्वेता शेट्टी और हेमा दरसाई, शंकर महादेवन, रघुबीर यादव, विनोद राठौड़, सुदेश भोसले, जावेद जाफरी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ डार्लिंग ये है इंडिया मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ओ डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमृत पुरी ने अभिनय किया है जिसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में है। डायरेक्ट की गई थी केतन मेहता के द्वारा, प्रोड्यूस की गई थी केतन मेहता के द्वारा और ये लिखी गई थी पार्वती बलागोपालन के द्वारा। इसमें स्टारिंग थे शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें म्यूजिक दिया था रंजीत बरोट ने। यह मूवी रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। यह थी 157 मिनट की मूवी। इसका बजट था 2.25 करोड़ रुपए और ये हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें शाहरुख खान एक हीरो के रूप में थे, दीपा शाही आज मिस इंडिया के रूप में थी और अमरीश पुरी अजय डॉन क्यूस्टोन के रूप में थे, जावेद जाफरी अजय प्रिंस डॉन के रूप में थे, अनुपम खेर अजय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी नाथुराम के रूप में थे। तो चलिए बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक की। इसमें पहला सॉन्ग था तुझ पे मरता हूँ जिसको गाया था रंजीत बरोट और अलीसा चेन्नई ने, और दूसरा सॉन्ग था पर मिला जिसे गाया था शंकर मधुवन ने, तीसरा सॉन्ग था आजा आजा जिसे गाया था हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी और नुसरत फतेह अली खान, चौथा सॉन्ग था रात है कयामत जिसे गाया था श्वेता शेट्टी ने, पाँचवा सॉन्ग था खुल्लम खुल्ला जिसे गाया था शंकर माधवन हम्मा सरदेसी ने, छठा सॉन्ग था छू लेने दे जिसे गाया था शंकर मधवन हेना सरदेसी, सातवां सॉन्ग था ओ डार्लिंग ये है इंडिया जिसे गाया था शंकर मधवन हेमा सरदेसी रघुवर यादव, आठवां सॉन्ग था मैं हूँ कौन जिसे गाया था विनोद राठौड़, नवा सॉन्ग था पब्लिक को हंसाओ जिसे गाया था शंकर महादेवन और सुरेश भोसले, दसवां सॉन्ग था बाप रे बाप जिसे गाया था जावेद जाफरी और शंकर मधवन ने, ग्यारहवां सॉन्ग था प्यार बेचती हूँ जिसे गाया था हेमा सरदेसी ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल से मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं।
दिल से 1998 में बनी रोमांटिक थ्रिलर हिंदी फिल्म है जो आतंकवाद और उत्तर पूर्वी राज्यों के तनाव पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम ने किया है, वही निर्माता रामगोपाल वर्मा तथा शेखर कपूर ने योगदान किया है। यह रिलीज हुई थी 21 अगस्त 1998 को भारत में हिंदी भाषा में और असमी और तमिल भाषा में रिलीज हुई थी। इसे तमिल में उतरे तथा तेलुगु में प्रेमत्तु नाम से रिलीज किया गया था। इसके मुख्य किरदार शाहरुख खान, मनीषा कोइराला तथा नवोदित अभिनेत्री प्रीति जिंटा थे। फिल्म की पटकथा मणिरत्न ने तिग्मांशु धूलिया के साथ लिखी तथा इस फिल्म में संगीत A.R. रहमान ने दिया था तथा गीत को गुलजार ने कलमबंद किया था। यह रोचक संयोग है कि मणिरत्न की पिछली आतंकवाद विषय पर बनी रोजा और बॉम्बे के बाद यह तीसरी उनकी प्रस्तुत थी। फिल्म को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। संगीतकार A.R. रहमान को इसके लिए उस साल का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। अमरकांत वर्मा यानी शाहरुख खान ऑल इंडिया रेडियो के लिए कार्यक्रम कार्यकारी है जो नई दिल्ली आसमा में उत्सव को कवर करने के लिए भेजा जाता है। अपने रास्ते में एक बरसात की रात के दौरान अमर बाराग घाटी एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए हाफलोंग स्टेशन ट्रेन पर रुकता है। हाफलोंग ट्रेन स्टेशन पर रुकता है। जब वह इंतजार करता है तो वह धूम्रपान करने की कोशिश करता है और एक रहस्यमय व्यक्ति से मैच या लाइटर के लिए पूछता है। अचानक हवा का एक तेज झोंका उस व्यक्ति यानी मनीषा कोइराला को एक महिला होने का खुलासा करते हुए साल से उड़ा देता है। अमर उसे बहुत आकर्षक लगता है और बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे थोड़ा अनदेखा करता है और फिर उससे एक कप चाय मांगता है। जब वह चाय लेकर लौटता है तो वह देखता है कि वह अगली ट्रेन में 3 पुरुष यात्रियों के साथ सवार है और दूसरी और दूर तक सवारी करता है। बाद में अमर ने उसी महिला को सिलचर में स्पॉट किया। वह उससे बात करने का प्रयास करता है, लेकिन वह कहती है कि वह उससे पहले याद नहीं कर सकती। भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के अवसर पर आपने समाचार रिपोर्टिंग असाइनमेंट के हिस्से के रूप में अमर असम के कई नागरिकों और एक चरमपंथी प्रमुख गौतम बोरा का साक्षात्कार लेते हैं, जो दावा करते हैं कि इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन और गरीबी के कारण भारत सरकार और यह की मुक्तदत्ता सरकार के साथ किसी भी तरह के संवाद में प्रवेश करने की इच्छा नहीं रखते हैं और आगे उत्तर पूर्व में अपने प्रतिरोध को सही ठहराते हैं। कुछ हफ्तों बाद अमर ने रेडियो पर महिला के साथ अपनी मुठभेड़ का वर्णन किया, जिससे वह सुनती है और फिर से उसे एक पोस्ट ऑफिस में स्पॉट करता है। इस मोड़ पर वह उसे अकेले छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे घर तक पीछा करता है और उसे बताता है कि वह उसके साथ प्यार में है। वह प्रतिरोध करती है और अमर को बताती है कि वह शादीशुदा है, मगर अमर उससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन वह 2 पुरुषों के साथ आता है जो उसे बेहोश कर देते हैं। पिटाई के दौरान अमर को पता चलता है कि पुरुष संभवतः उसके भाई हैं और उसने उसे शादी करने के बारे में झूठ बोला था। वह अपने घर पहुंचता है और स्थानीय लोगों से सीखता है कि उसने जगह छोड़ दी है। उसके बाद अमर डाकघर जाता है। वहां उसने शुरुआत में देखा और PCO मालिक को उसका संपर्क ब्यूरो देने के लिए रिश्वत दी और उसे पता चला कि वह लद्दाख को फोन कर रहा है। इसके बाद अमर लेह की यात्रा करता है और सिंध दर्शन महोत्सव की रिकॉर्डिंग करते समय एक आत्मघाती हमलावर को सेना द्वारा मार दिया जाता है और अमर महिला को फिर से गोली मार देता है। जैसा कि महिला और अमर बोर्ड एक बस में हैं, सैन्य अधिकारियों ने प्रत्येक यात्री से सवाल किया कि बस को छोड़ने की अनुमति है या नहीं, जबकि अमर ने अधिकारियों को बताया कि वह त्यौहार पर वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है। महिला अपने फायदे के लिए अमर का इस्तेमाल करती है और अधिकारियों को बताती है कि अमर उसका पति है। कुछ यात्रा के बाद बस छूट जाती है और यात्रियों को पास के गांव तक पैदल जाना पड़ता है। एन मार्ग अमर ने महिला को अपना नाम प्रकट करने के लिए मजबूर किया मेघना। दोनों एक साथ यात्रा करते हैं और पुनराव्रत करते हैं। सुबह में अमर मेघना को खोजने के लिए उठा। बाद में यह पता चलता है कि मेघना एक रिबलेटनी समूह का हिस्सा है जिसने आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली में कई आत्मघाती हमलों की योजना बनाई है। अमर दिल्ली में अपने घर लौटता है जहाँ उसके परिवार ने केरल की प्रीति नायर यानी प्रीति जिंटा को उसके लिए एक संभावित दुल्हन के रूप में पाया है। अमर प्रीति से शादी करने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं है कि वह कभी मेघना से दोबारा मिल पाएगा। प्रीति के साथ अपनी डेट पर अमर ने मेघना को सहयोगियों से एक किम को स्पॉट किया जिसने उसे पहले गायब कर दिया था, मगर उसका पीछा कनॉट प्लेस तक किया, जहां स्थानीय पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद वह व्यक्ति खुद को साइनाइड की गोली से मारता है। स्थित के उग्रवादी प्रकट के कारण पुलिस घटना को CBI को सौंप देती है। अमर के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, मेघना दिल्ली में दिखाई देती है और अमर से आलिया के रेडियो ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी पाने में मदद करने के लिए कहती है। बाद में यह पता चलता है कि मेघना वास्तव में अपने आतंकवादी समूह के साथ दिल्ली पहुंचती है और
ओह डार्लिंग यह है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की एक भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमरीश पुरी ने अभिनय किया है। इसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था केतन मेहता ने, इसे लिखा था पार्वती बाल गोपालन ने। यह उत्पादित की गई थी केतन मेहता के द्वारा। इसमें कुल अभिनेता हैं शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें संगीत दिया था रंजीत बरोटा ने। यह वितरित हुई थी केतन मेहता प्रोडक्शन के द्वारा। हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये इस मूवी की लंबाई 157 मिनट है। ये हिंदी भाषा में भारत में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 2.25 करोड़ रुपए है। अब आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। डॉन क्विस्कोट यानी अमरीश पुरी एक डॉन है जो व्यापक रूप से प्रचलित नीलामी में भारत को बेचने की योजना बना रहा है। उसकी योजना सरल है, राष्ट्रपति यानी अनुपम खेर का अपहरण कर ले, उसकी जगह एक हमशक्ल यानी अनुपम खेर भी ले ले, डराए और नकली राष्ट्रपति को भारत बेचने के लिए मजबूर करे। हीरो यानी शाहरुख खान बॉम्बे में नया है और टूट गया है। मिस इंडिया ने दीपा शाही उस रात को जीने में व्यस्त है। जब वह हीरो से मिलती है तो मिलते हैं और किसी भी तरह से एक दूसरे का मनोरंजन करते हुए रात बिताने का फैसला करते हैं। इस बीच डॉन विस्फोटक के बेटे प्रिंस जावेद जाफरी की निगाहें मिस इंडिया पर टिकी हैं जो उससे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। रात हीरो और मिस इंडिया के लिए एक साहसिक रात बन जाती है। हीरो को पता चलता है कि मिस इंडिया के पिता एक शराबी हैं जो चाहते हैं कि वह बेसा व्रत में प्रवेश करे, जबकि मिस इंडिया को पता चलता है कि हीरो को ब्रेन ट्यूमर है। जब उन्हें क्विस्कोट की योजनाओं का पता चलता है तो वे राष्ट्रपति को बचाने का फैसला करते हैं। कुछ दंगों में क्विस्कोट मारा जाता है और प्रिंस उसकी गद्दी संभाल लेता है। प्रिंस अपने पिता की योजना को जारी रखने का फैसला करता है। हीरो और मिस इंडिया भेष बदल कर उस सभागार में प्रवेश करने का प्रबंध करते हैं जहाँ नीलामी हो रही है। राजकुमार अपने पिता के डॉन पोशाक में अचानक अपने अनुचरों के साथ प्रवेश करता है। हीरो, मिस इंडिया और उनके दोस्त सफलतापूर्वक क्रेनियों पर काबू पा लेते हैं। हीरो और मिस इंडिया द्वारा पहले बचाए गए कुछ लोगों ने नकली राष्ट्रपति को मार डाला। उनके मुंह में एक नली ढकेल दी जिससे उनका पेट फूल गया और फट गया। जब प्रिंस हीरो और मिस इंडिया पर हमला करता है जिससे वे दोनों कांच तोड़कर इमारत से बाहर गिर जाते हैं तो हीरो और मिस इंडिया प्रिंस के शरीर के लिए भारतीय झंडे से एक पैराशूट बनाते हैं। कूदने के दौरान राजकुमार की मौत हो जाती है। हीरो और मिस इंडिया एक ही छत पर उतरते हैं, हैंडबल डेकर बस, और हीरो ने घोषणा की कि वह जिंदा होने से खुश है। जब मिस इंडिया उसे याद दिलाती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है तो हीरो उसे बताता है कि उसने जो एक्सरे देखा था वह 1.5 साल पहले किया गया था। शाहरुख खान ने इसमें हीरो के रूप में भूमिका निभाई है, दीपा शाही ने इसमें मिस इंडिया बनी है और डॉन क्विस्कोट के रूप में अमरीश पुरी हैं। जावेद जाफरी डॉन के राजकुमार के रूप में हैं। अनुपम खेर भारत के राष्ट्रपति नाथुराम के रूप में हैं। और भी इसमें बहुत सारे किरदार हैं। इस फिल्म में कुल 11 गाने हैं जिनके बोल हैं तो इस पे मरता हूं, पर मिला, आजा आजा, रात है कयामत, खुल्लम खुल्ला, चू लेने दे और ओ डार्लिंग ये है इंडिया, मैं हूँ कौन, पब्लिक को हंसाओ, बाप रे बाप, प्यार बेचती हूँ, जिसे गाया था रंजीत बरोट, अलीसा चिनाय, शंकर महादेवन, हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी, नुसरत फले अली खान, श्वेता शेट्टी और हेमा दरसाई, शंकर महादेवन, रघुबीर यादव, विनोद राठौड़, सुदेश भोसले, जावेद जाफरी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ डार्लिंग ये है इंडिया मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ओ डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमृत पुरी ने अभिनय किया है, जिसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में है। ये डायरेक्ट की गई थी केतन मेहता के द्वारा, प्रोड्यूस की गई थी केतन मेहता के द्वारा और ये लिखी गई थी पार्वती बालगोपालन के द्वारा। इसमें स्टारिंग थे शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें म्यूजिक दिया था रंजीत बरोट ने। यह मूवी रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये थी 157 मिनट की मूवी। इसका बजट था 2.25 करोड़ रुपए और ये हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें शाहरुख खान एक हीरो के रूप में थे, दीपा शाही आज मिस इंडिया के रूप में थी और अमरीश पुरी अजय डॉन क्यूस्टोन के रूप में थे, जावेद जाफरी अजय प्रिंस डॉन के रूप में थे, अनुपम खेर अजय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी नाथुराम के रूप में थे। तो चलिए बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक की। इसमें पहला सॉन्ग था तुझ पे मरता हूँ जिसको गाया था रंजीत बरोट और अलीसा चेन्नई ने, और दूसरा सॉन्ग था पर मिला जिसे गाया था शंकर मधुवन ने, तीसरा सॉन्ग था आजा आजा जिसे गाया था हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी और नुसरत फतेह अली खान, चौथा सॉन्ग था रात है कयामत जिसे गाया था श्वेता शेट्टी ने, पाँचवा सॉन्ग था लम खुल्ला जिसे गाया था
शंकर माधवन हम्मा सरदेसी ने, छठा सॉन्ग था छोले ने दे जिसे गाया था शंकर माधवन है ना सरदेसी, सातवां सॉन्ग था ओ डार्लिंग ये है इंडिया जिसे गाया था शंकर माधवन हेमा सरदेसी रघुवर यादव, आठवां सॉन्ग था मैं हूँ कौन जिसे गाया था विनोद राठौड़, नवा सॉन्ग था पब्लिक को हंसाओ जिसे गाया था शंकर महादेवन और सुरेश भोसले, दसवां सॉन्ग था बाप रे बाप जिसे गाया था जावेद जयफरी और शंकर माधवन ने, ग्यारहवां सॉन्ग था प्यार बेचती हूँ जिसे गाया था हेमा सरदेसी ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल से मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल से 1998 में बनी रोमांटिक थ्रिलर हिंदी फिल्म है जो आतंकवाद और उत्तर पूर्वी राज्यों के तनाव पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम ने किया है, वही निर्माता राम गोपाल वर्मा तथा शेखर कपूर ने योगदान किया है। यह रिलीज हुई थी 21 अगस्त 1998 को भारत में हिंदी भाषा में और असमी और तमिल भाषा में रिलीज हुई थी। इसे तमिल में उतरे तथा तेलुगु में प्रेमत्तु नाम से रिलीज किया गया था। इसके मुख्य किरदार शाहरुख खान, मनीषा कोइराला तथा नवोदित अभिनेत्री प्रीति जिंटा थे। फिल्म की पटकथा मणिरत्न ने तिग्मांशु धूलिया के साथ लिखी तथा इस फिल्म में संगीत एआर रहमान ने दिया था तथा गीत को गुलजार ने कलमबंद किया था। यह रोचक संयोग है कि मणिरत्न की पिछली आतंकवाद विषय पर बनी रोजा और बॉम्बे के बाद यह तीसरी उनकी प्रस्तुत थी। फिल्म को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। संगीतकार एआर रहमान को इसके लिए उस साल का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। अमरकांत वर्मा यानी शाहरुख खान ऑल इंडिया रेडियो के लिए कार्यक्रम कार्यकारी है जो नई दिल्ली आसमा में उस शो को कवर करने के लिए भेजा जाता है। अपने रास्ते में एक बरसात की रात के दौरान अमर बाराक घाटी एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए हाफलोंग स्टेशन ट्रेन पर रुकता है। हाफलोंग ट्रेन स्टेशन पर रुकता है। जब वह इंतजार करता है तो वह धूम्रपान करने की कोशिश करता है और एक रहस्यमय व्यक्ति से मैच या लाइटर के लिए पूछता है। अचानक हवा का एक तेज झोंका उस व्यक्ति यानी मनीषा कोइराला को एक महिला होने का खुलासा करते हुए साल से उड़ा देता है। अमर उसे बहुत आकर्षक लगता है और बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे थोड़ा अनदेखा करता है और फिर उससे एक कप चाय मांगता है। जब वह चाय लेकर लौटता है तो वह देखता है कि वह अगली ट्रेन में 3 पुरुष यात्रियों के साथ सवार है और दूसरी और दूर तक सवारी करता है। बाद में अमर ने उसी महिला को सिलचर में स्पॉट किया। वह उससे बात करने का प्रयास करता है, लेकिन वह कहती है कि वह उससे पहले याद नहीं कर सकती। भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के अवसर पर आपने समाचार रिपोर्टिंग असाइनमेंट के हिस्से के रूप में अमर असम के कई नागरिकों और एक चरमपंथी प्रमुख गौतम बोरा का साक्षात्कार लेते हैं जो दावा करते हैं कि इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन और गरीबी के कारण भारत सरकार और यह कि मुक्तिदाता सरकार के साथ किसी भी तरह के संवाद में प्रवेश करने की इच्छा नहीं रखते हैं और आगे उत्तर पूर्व में अपने प्रतिरोध को सही ठहराते हैं। कुछ हफ्तों बाद अमर ने रेडियो पर महिला के साथ अपनी मुठभेड़ का वर्णन किया जिससे वह सुनती है और फिर से उसे एक पोस्ट ऑफिस में स्पॉट करता है। इस मोड़ पर वह उसे अकेले छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे घर तक पीछा करता है और उसे बताता है कि वह उसके साथ प्यार में है। वह प्रतिरोध करती है और अमर को बताती है कि वह शादीशुदा है, मगर अमर उससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन वह 2 पुरुषों के साथ आता है जो उसे बेहोश कर देते हैं। पिटाई के दौरान अमर को पता चलता है कि पुरुष संभवतः उसके भाई हैं और उसने उसे शादी करने के बारे में झूठ बोला था। वह अपने घर पहुंचता है और स्थानीय लोगों से सीखता है कि उसने जगह छोड़ दी है। उसके बाद अमर डाकघर जाता है। वहां उसने शुरुआत में देखा और पीसीओ मालिक को उसका संपर्क ब्यौरा देने के लिए रिश्वत दी और उसे पता चला कि वह लद्दाख को फोन कर रहा है। इसके बाद अमर लेह की यात्रा करता है और सिंध दर्शन महोत्सव की रिकॉर्डिंग करते समय एक आत्मघाती हमलावर को सेना द्वारा मार दिया जाता है और अमर महिला को फिर से गोली मार देता है। जैसा कि महिला और अमर बोर्ड एक बस में हैं, सैन्य अधिकारियों ने प्रत्येक यात्री से सवाल किया कि बस को छोड़ने की अनुमति है या नहीं, जबकि अमर ने अधिकारियों को बताया कि वह त्यौहार पर वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है। महिला अपने फायदे के लिए अमर का इस्तेमाल करती है और अधिकारियों को बताती है कि अमर उसका पति है। कुछ यात्रा के बाद बस छूट जाती है और यात्रियों को पास के गांव तक पैदल जाना पड़ता है। एन मार्ग अमर ने महिला को अपना नाम प्रकट करने के लिए मजबूर किया मेघना। दोनों एक साथ यात्रा करते हैं और पुनराव्रत करते हैं। सुबह में अमर मेघना को खोजने के लिए उठा। बाद में यह पता चलता है कि मेघना एक रिबेलियनिस्ट समूह का हिस्सा है जिसने आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली में कई आत्मघाती हमलों की योजना बनाई है। अमर दिल्ली में अपने घर लौटता है जहाँ उसके परिवार ने केरल की प्रीति नायर यानी प्रीति जिंटा को उसके लिए एक संभावित दुल्हन के रूप में पाया है। अमर प्रीति से शादी करने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं है कि वह कभी मेघना से दोबारा मिल पाएगा।
प्रीति के साथ अपनी डेट पर अमर ने मेघना को सहयोगियों से एक किम को स्पॉट किया जिसने उसे पहले गायब कर दिया था मगर उसका पीछा कनॉट प्लेस तक किया, जहां स्थानीय पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद वह व्यक्ति खुद को साइनाइड की गोली से मारता है। स्थित के उग्रवादी प्रकट के कारण पुलिस घटना को सीबीआई को सौंप देती है। अमर के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, मेघना दिल्ली में दिखाई देती है और अमर से आलिया के रेडियो ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी पाने में मदद करने के लिए कहती है। बाद में यह पता चलता है कि मेघना वास्तव में अपने आतंकवादी समूह के साथ दिल्ली पहुंचती है और ओह डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की एक भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमरीश पुरी ने अभिनय किया है। इसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था केतन मेहता ने, इसे लिखा था पार्वती बाल गोपालन ने, ये उत्पादित की गई थी केतन मेहता के द्वारा। इसमें कुल अभिनेता हैं शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें संगीत दिया था रंजीत बरोटा ने। ये वितरित हुई थी केतन मेहता प्रोडक्शन के द्वारा। ये रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये इस मूवी की लंबाई 157 मिनट है। ये हिंदी भाषा में भारत में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 2.25 करोड़ रुपये है। अब आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। डॉन क्विस्कोट यानी अमरीश पुरी एक डॉन है जो व्यापक रूप से प्रचलित नीलामी में भारत को बेचने की योजना बना रहा है। उसकी योजना सरल है, राष्ट्रपति यानी अनुपम खेर अपहरण कर ले, उसकी जगह एक हमशक्ल यानी अनुपम खेर भी ले ले, डराए और नकली राष्ट्रपति को भारत बेचने के लिए मजबूर करे। हीरो यानी शाहरुख खान बॉम्बे में नया है और टूट गया है। मिस इंडिया यानी दीपा शाही उस रात को जीने में व्यस्त है। जब वह हीरो से मिलती है तो मिलते हैं और किसी भी तरह से एक दूसरे का मनोरंजन करते हुए रात बिताने का फैसला करते हैं। इस बीच डॉन विस्फोटक के बेटे प्रिंस यानी जावेद जाफरी की निगाहें मिस इंडिया पर टिकी हैं जो उससे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। रात हीरो और मिस इंडिया के लिए एक साहसिक रात बन जाती है। हीरो को पता चलता है कि मिस इंडिया के पिता एक शराबी हैं जो चाहते हैं कि वह बेसा व्रत में प्रवेश करे, जबकि मिस इंडिया को पता चलता है कि हीरो को ब्रेन ट्यूमर है। जब उन्हें क्विस्कोट की योजनाओं का पता चलता है तो वे राष्ट्रपति को बचाने का फैसला करते हैं। कुछ दंगों में क्विस्कोट मारा जाता है और प्रिंस उसकी गद्दी संभाल लेता है। प्रिंस अपने पिता की योजना को जारी रखने का फैसला करता है। हीरो और मिस इंडिया भेष बदल कर उस सभागार में प्रवेश करने का प्रबंध करते हैं जहाँ नीलामी हो रही है। राजकुमार अपने पिता के डॉन पोशाक में अचानक अपने अनुचरों के साथ प्रवेश करता है। हीरो मिस इंडिया और उनके दोस्त सफलतापूर्वक क्रेनियों पर काबू पा लेते हैं। हीरो और मिस इंडिया द्वारा पहले बचाए गए कुछ लोगों ने नकली राष्ट्रपति को मार डाला, उनके मुंह में एक नली ढकेल दी जिससे उनका पेट फूल गया और फट गया। जब प्रिंस हीरो और मिस इंडिया पर हमला करता है जिससे वे दोनों कांच तोड़कर इमारत से बाहर गिर जाते हैं तो हीरो और मिस इंडिया प्रिंस के शरीर के लिए भारतीय झंडे से एक पैराशूट बनाते हैं। कूदने के दौरान राजकुमार की मौत हो जाती है। हीरो और मिस इंडिया एक ही छत पर उतरते हैं हैंडबल डेकर बस और हीरो ने घोषणा की कि वह जिंदा होने से खुश है। जब मिस इंडिया उसे याद दिलाती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है तो हीरो उसे बताता है कि उसने जो एक्सरे देखा था वह 1.5 साल पहले किया गया था। शाहरुख खान ने इसमें हीरो के रूप में भूमिका निभाई है, दीपा शाही ने इसमें मिस इंडिया बनी है और डॉन क्विस्कोट के रूप में अमरीश पुरी हैं, जावेद जाफरी डॉन के राजकुमार के रूप में हैं, अनुपम खेर भारत के राष्ट्रपति नाथुराम के रूप में हैं और भी इसमें बहुत सारे किरदार हैं। इस फिल्म में कुल 11 गाने हैं जिनके बोल हैं तो इस पे मरता हूं, पर मिला, आजा आजा, रात है कयामत, खुल्लम खुल्ला, चू लेने दे और ओ डार्लिंग ये है इंडिया, मैं हूँ कौन, पब्लिक को हंसाओ, बाप रे बाप, प्यार बेचती हूँ, जिसे गाया था रंजीत बरोट, अली सचिनाय, शंकर महादेवन, हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी, नुसरत फले अली खान, श्वेता शेट्टी और हेमा दरसाई, शंकर महादेवन, रघुबीर यादव, विनोद राठौड़, सुदेश भोसले, जावेद जाफरी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ डार्लिंग ये है इंडिया मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ओ डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमृत पुरी ने अभिनय किया है जिसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में है। ये डायरेक्ट की गई थी केतन मेहता के द्वारा, प्रोड्यूस की गई थी केतन मेहता के द्वारा और ये लिखी गई थी पार्वती बालगोपालन के द्वारा। इसमें स्टारिंग थे शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें म्यूजिक दिया था रंजीत बरोट ने। ये मूवी रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये थी 157 मिनट की मूवी। इसका बजट था 2.25 करोड़ रुपए और ये हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें शाहरुख खान एक हीरो के रूप में थे, दीपा शाही आज मिस इंडिया के रूप में थी और अमरीश पुरी अजय डॉन क्यूस्टोन के रूप में थे, जावेद जाफरी अजय प्रिंस डॉन के रूप में थे, अनुपम खेर अजय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी नाथुराम के रूप में थे। तो चलिए बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक की।
इसमें पहला सॉन्ग था तुझ पे मरता हूँ, जिसको गाया था रंजीत बरोट और अलीसा चेन्नई ने, और दूसरा सॉन्ग था पर मिला, जिसे गाया था शंकर मधुवन ने, तीसरा सॉन्ग था आजा आजा, जिसे गाया था हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी और नुसरत फतेह अली खान, चौथा सॉन्ग था रात है कयामत, जिसे गाया था श्वेता शेट्टी ने, पांचवा सॉन्ग था लम खुल्ला, जिसे गाया था शंकर माधवन हम्मा सरदेसी ने, छठा सॉन्ग था छू लेने दे, जिसे गाया था शंकर मधवन हेना सरदेसी, सातवां सॉन्ग था ओ डार्लिंग ये है इंडिया, जिसे गाया था शंकर मधवन हेमा सरदेसी रघुवर यादव, आठवां सॉन्ग था मैं हूँ कौन, जिसे गाया था विनोद राठौड़, नवा सॉन्ग था पब्लिक को हंसाओ, जिसे गाया था शंकर महादेवन और सुरेश भोसले, दसवां सॉन्ग था बाप रे बाप, जिसे गाया था जावेद जयफरी और शंकर मधवन ने, ग्यारहवां सॉन्ग था प्यार बेचती हूँ, जिसे गाया था हेमा सरदेसी ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल से मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल से 1998 में बनी रोमांटिक थ्रिलर हिंदी फिल्म है, जो आतंकवाद और उत्तर पूर्वी राज्यों के तनाव पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम ने किया है, वही निर्माता राम गोपाल वर्मा तथा शेखर कपूर ने योगदान किया है। ये रिलीज हुई थी 21 अगस्त 1998 को भारत में हिंदी भाषा में और असमी और तमिल भाषा में रिलीज हुई थी। इसे तमिल में उतरे तथा तेलुगु में प्रेमत्तु नाम से रिलीज किया गया था। इसके मुख्य किरदार शाहरुख खान, मनीषा कोइराला तथा नवोदित अभिनेत्री प्रीति जिंटा थे। फिल्म की पटकथा मणिरत्न ने तिग्मांशु धूलिया के साथ लिखी तथा इस फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया था तथा गीत को गुलजार ने कलमबंद किया था। यह रोचक संयोग है कि मणिरत्न की पिछली आतंकवाद विषय पर बनी रोजा और बॉम्बे के बाद यह तीसरी उनकी प्रस्तुत थी। फिल्म को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। संगीतकार ए आर रहमान को इसके लिए उस साल का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। अमरकांत वर्मा यानी शाहरुख खान ऑल इंडिया रेडियो के लिए कार्यक्रम कार्यकारी है, जो नई दिल्ली आसमा में उस शो को कवर करने के लिए भेजा जाता है। अपने रास्ते में एक बरसात की रात के दौरान अमर बाराग घाटी एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए हाफलोंग स्टेशन ट्रेन पर रुकता है। हाफलोंग ट्रेन स्टेशन पर रुकता है। जब वह इंतजार करता है तो वह धूम्रपान करने की कोशिश करता है और एक रहस्यमय व्यक्ति से मैच या लाइटर के लिए पूछता है। अचानक हवा का एक तेज झोंका उस व्यक्ति यानी मनीषा कोइराल को एक महिला होने का खुलासा करते हुए साल से उड़ा देता है। अमर उसे बहुत आकर्षक लगता है और बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे थोड़ा अनदेखा करता है और फिर उससे एक कप चाय मांगता है। जब वह चाय लेकर लौटता है तो वह देखता है कि वह अगली ट्रेन में 3 पुरुष यात्रियों के साथ सवार है और दूसरी और दूर तक सवारी करता है। बाद में अमर ने उसी महिला को सिलचर में स्पॉट किया। वह उससे बात करने का प्रयास करता है, लेकिन वह कहती है कि वह उससे पहले याद नहीं कर सकती। भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के अवसर पर आपने समाचार रिपोर्टिंग असाइनमेंट के हिस्से के रूप में अमर असम के कई नागरिकों और एक चरमपंथी प्रमुख गौतम बोरा का साक्षात्कार लेते हैं, जो दावा करते हैं कि इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन और गरीबी के कारण भारत सरकार और यह कि मुक्तदत्ता सरकार के साथ किसी भी तरह के संवाद में प्रवेश करने की इच्छा नहीं रखते हैं और आगे उत्तर पूर्व में अपने प्रतिरोध को सही ठहराते हैं। कुछ हफ्तों बाद अमर ने रेडियो पर महिला के साथ अपनी मुठभेड़ का वर्णन किया, जिससे वह सुनती है और फिर से उसे एक पोस्ट ऑफिस में स्पॉट करता है। इस मोड़ पर वह उसे अकेले छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे घर तक पीछा करता है और उसे बताता है कि वह उसके साथ प्यार में है। वह प्रतिरोध करती है और अमर को बताती है कि वह शादीशुदा है, मगर अमर उससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन वह 2 पुरुषों के साथ आता है जो उसे बेहोश कर देते हैं। पिटाई के दौरान अमर को पता चलता है कि पुरुष संभवतः उसके भाई हैं और उसने उसे शादी करने के बारे में झूठ बोला था। वह अपने घर पहुंचता है और स्थानीय लोगों से सीखता है कि उसने जगह छोड़ दी है। उसके बाद अमर डाकघर जाता है। वहां उसने शुरुआत में देखा और पीसीओ मालिक को उसका संपर्क ब्यौरा देने के लिए रिश्वत दी और उसे पता चला कि वह लद्दाख को फोन कर रहा है। इसके बाद अमर लेह की यात्रा करता है और सिंध दर्शन महोत्सव की रिकॉर्डिंग करते समय एक आत्मघाती हमलावर को सेना द्वारा मार दिया जाता है और अमर महिला को फिर से गोली मार देता है। जैसा कि महिला और अमर बोर्ड एक बस में हैं, सैन्य अधिकारियों ने प्रत्येक यात्री से सवाल किया कि बस को छोड़ने की अनुमति है या नहीं, जबकि अमर ने अधिकारियों को बताया कि वह त्यौहार पर वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है। महिला अपने फायदे के लिए अमर का इस्तेमाल करती है और अधिकारियों को बताती है कि अमर उसका पति है। कुछ यात्रा के बाद बस छूट जाती है और यात्रियों को पास के गांव तक पैदल जाना पड़ता है। एन मार्ग अमर ने महिला को अपना नाम प्रकट करने के लिए मजबूर किया मेघना।
दोनों एक साथ यात्रा करते हैं और पुनराव्रत करते हैं। सुबह में अमर मेघना को खोजने के लिए उठा। बाद में यह पता चलता है कि मेघना एक रिबेलियस समूह का हिस्सा है जिसने आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली में कई आत्मघाती हमलों की योजना बनाई है। अमर दिल्ली में अपने घर लौटता है जहाँ उसके परिवार ने केरल की प्रीति नारायण प्रीति जिंटा को उसके लिए एक संभावित दुल्हन के रूप में पाया है। अमर प्रीति से शादी करने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं है कि वह कभी मेघना से दोबारा मिल पाएगा। प्रीति के साथ अपनी डेट पर अमर ने मेघना को सहयोगियों से एक किम को स्पॉट किया जिसने उसे पहले गायब कर दिया था मगर उसका पीछा कनॉट प्लेस तक किया जहां स्थानीय पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद वह व्यक्ति खुद को साइनाइड की गोली से मारता है। स्थिति के उग्रवादी प्रकट के कारण पुलिस घटना को सीबीआई को सौंप देती है। अमर के लिए बहुत आश्चर्य की बात है मेघना दिल्ली में दिखाई देती है और अमर से आलिया के रेडियो ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी पाने में मदद करने के लिए कहती है। बाद में यह पता चलता है कि मेघना वास्तव में अपने आतंकवादी समूह के साथ दिल्ली पहुंचती है और ओह डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की एक भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है जिसमें शाहरुख खान दीपा शाही जावेद जाफरी और अमरीश पुरी ने अभिनय किया है। इसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था केतन मेहता ने। इसे लिखा था पार्वती बाल गोपालन ने। यह उत्पादित की गई थी केतन मेहता के द्वारा। इसमें कुल अभिनेता हैं शाहरुख खान दीपा शाही जावेद जाफरी अनुपम खेर अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें संगीत दिया था रंजीत बरोटा ने। यह वितरित हुई थी केतन मेहता प्रोडक्शन के द्वारा। यह रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये इस मूवी की लंबाई 157 मिनट है। ये हिंदी भाषा में भारत में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 2.25 करोड़ रुपये है। अब आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। डॉन क्विस्कोट यानी अमरीश पुरी एक डॉन है जो व्यापक रूप से प्रचलित नीलामी में भारत को बेचने की योजना बना रहा है। उसकी योजना सरल है, राष्ट्रपति यानी अनुपम खेर अपहरण कर ले, उसकी जगह एक हमशक्ल यानी अनुपम खेर भी ले ले, डराए और नकली राष्ट्रपति को भारत बेचने के लिए मजबूर करे। हीरो यानी शाहरुख खान बॉम्बे में नया है और टूट गया है। मिस इंडिया ने दीपा शाही उस रात को जीने में व्यस्त है। जब वह हीरो से मिलती है तो मिलते हैं और किसी भी तरह से एक दूसरे का मनोरंजन करते हुए रात बिताने का फैसला करते हैं। इस बीच डॉन विस्फोटक के बेटे प्रिंस जावेद जाफरी की निगाहें मिस इंडिया पर टिकी हैं जो उससे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। रात हीरो और मिस इंडिया के लिए एक साहसिक रात बन जाती है। हीरो को पता चलता है कि मिस इंडिया के पिता एक शराबी हैं जो चाहते हैं कि वह बेसा व्रत में प्रवेश करे, जबकि मिस इंडिया को पता चलता है कि हीरो को ब्रेन ट्यूमर है। जब उन्हें क्विस्कोट की योजनाओं का पता चलता है तो वे राष्ट्रपति को बचाने का फैसला करते हैं। कुछ दंगों में क्विस्कोट मारा जाता है और प्रिंस उसकी गद्दी संभाल लेता है। प्रिंस अपने पिता की योजना को जारी रखने का फैसला करता है। हीरो और मिस इंडिया भेष बदल कर उस सभागार में प्रवेश करने का प्रबंध करते हैं जहाँ नीलामी हो रही है। राजकुमार अपने पिता के डॉन पोशाक में अचानक अपने अनुचरों के साथ प्रवेश करता है। हीरो मिस इंडिया और उनके दोस्त सफलतापूर्वक क्रेनियों पर काबू पा लेते हैं। हीरो और मिस इंडिया द्वारा पहले बचाए गए कुछ लोगों ने नकली राष्ट्रपति को मार डाला, उनके मुंह में एक नली ढकेल दी जिससे उनका पेट फूल गया और फट गया। जब प्रिंस हीरो और मिस इंडिया पर हमला करता है जिससे वे दोनों कांच तोड़कर इमारत से बाहर गिर जाते हैं तो हीरो और मिस इंडिया प्रिंस के शरीर के लिए भारतीय झंडे से एक पैराशूट बनाते हैं। कूदने के दौरान राजकुमार की मौत हो जाती है। हीरो और मिस इंडिया एक ही छत पर उतरते हैं हैंडबल डेकर बस और हीरो ने घोषणा की कि वह जिंदा होने से खुश है। जब मिस इंडिया उसे याद दिलाती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है तो हीरो उसे बताता है कि उसने जो एक्सरे देखा था वह 1.5 साल पहले किया गया था। शाहरुख खान ने इसमें हीरो के रूप में भूमिका निभाई है। दीपा शाही ने इसमें मिस इंडिया बनी है और डॉन क्विस्कोट के रूप में अमरीश पुरी हैं। जावेद जाफरी डॉन के राजकुमार के रूप में हैं। अनुपम खेर भारत के राष्ट्रपति नाथुराम के रूप में हैं। और भी इसमें बहुत सारे किरदार हैं। इस फिल्म में कुल 11 गाने हैं जिनके बोल हैं तो इस पे मरता हूँ, पर मिला, आजा आजा, रात है कयामत, खुल्लम खुल्ला, चू लेने दे और ओ डार्लिंग ये है इंडिया, मैं हूँ कौन, पब्लिक को हंसाओ, बाप रे बाप, प्यार भेजती हूँ, जिसे गाया था रंजीत बरोट, अलीसा चिनाय, शंकर महादेवन, हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी, नुसरत फलेह अली खान, श्वेता शेट्टी और हेमा दरसाई, शंकर महादेवन, रघुबीर यादव, विनोद राठौड़, सुदेश भोसले, जावेद जाफरी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ डार्लिंग ये है इंडिया मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ओ डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमृत पुरी ने अभिनय किया है, जिसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में है। डायरेक्ट की गई थी केतन मेहता के द्वारा, प्रोड्यूस की गई थी केतन मेहता के द्वारा और ये लिखी गई थी पार्वती बालगोपालन के द्वारा। इसमें स्टारिंग थे शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा।
इसमें म्यूजिक दिया था रंजीत बरोट ने। यह मूवी रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। यह थी 157 मिनट की मूवी। इसका बजट था 2.25 करोड़ रुपए और ये हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें शाहरुख खान एक हीरो के रूप में थे, दीपा शाही आज मिस इंडिया के रूप में थी और अमरीश पुरी अजय डॉन क्यूस्टोन के रूप में थे, जावेद जाफरी अजय प्रिंस डॉन के रूप में थे, अनुपम खेर अजय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी नाथूराम के रूप में थे। तो चलिए बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक की। इसमें पहला सॉन्ग था तुझ पे मरता हूँ, जिसको गाया था रंजीत बरोट और अलीसा चेन्नई ने, और दूसरा सॉन्ग था पर मिला, जिसे गाया था शंकर मधुवन ने, तीसरा सॉन्ग था आजा आजा, जिसे गाया था हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी और नुसरत फतेह अली खान, चौथा सॉन्ग था रात है कयामत, जिसे गाया था श्वेता शेट्टी ने, पांचवा सॉन्ग था लम खुल्ला, जिसे गाया था शंकर माधवन हम्मा सरदेसी ने, छठा सॉन्ग था छू लेने दे, जिसे गाया था शंकर मधवन हेना सरदेसी, सातवां सॉन्ग था ओ डार्लिंग ये है इंडिया, जिसे गाया था शंकर मधवन हेमा सरदेसी रघुवर यादव, आठवां सॉन्ग था मैं हूँ कौन, जिसे गाया था विनोद राठौड़, नवा सॉन्ग था पब्लिक को हंसाओ, जिसे गाया था शंकर महादेवन और सुरेश भोसले, दसवां सॉन्ग था बाप रे बाप, जिसे गाया था जावेद जयफरी और शंकर मधवन ने, ग्यारहवां सॉन्ग था प्यार बेचती हूँ, जिसे गाया था हेमा सरदेसी ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल से मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल से 1998 में बनी रोमांटिक थ्रिलर हिंदी फिल्म है, जो आतंकवाद और उत्तर पूर्वी राज्यों के तनाव पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम ने किया है, वही निर्माता राम गोपाल वर्मा तथा शेखर कपूर ने योगदान किया है। यह रिलीज हुई थी 21 अगस्त 1998 को। भारत में हिंदी भाषा में और असमी और तमिल भाषा में रिलीज हुई थी। इसे तमिल में उतरे तथा तेलुगु में प्रेमत्तु नाम से रिलीज किया गया था। इसके मुख्य किरदार शाहरुख खान, मनीषा कोइराला तथा नवोदित अभिनेत्री प्रीति जिंटा थे। फिल्म की पटकथा मणिरत्न ने तिग्मांशु धूलिया के साथ लिखी तथा इस फिल्म में संगीत एआर रहमान ने दिया था तथा गीत को गुलजार ने कलमबंद किया था। यह रोचक संयोग है कि मणिरत्न की पिछली आतंकवाद विषय पर बनी रोजा और बॉम्बे के बाद यह तीसरी उनकी प्रस्तुत थी। फिल्म को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 6 फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। संगीतकार एआर रहमान को इसके लिए उस साल का फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। अमरकांत वर्मा यानी शाहरुख खान ऑल इंडिया रेडियो के लिए कार्यक्रम कार्यकारी है, जो नई दिल्ली आसमां में उत्सव को कवर करने के लिए भेजा जाता है। अपने रास्ते में एक बरसात की रात के दौरान अमर बाराग घाटी एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए हाफलोंग स्टेशन ट्रेन पर रुकता है। हाफलोंग ट्रेन स्टेशन पर रुकता है। जब वह इंतजार करता है तो वह धूम्रपान करने की कोशिश करता है और एक रहस्यमय व्यक्ति से मैच या लाइटर के लिए पूछता है। अचानक हवा का एक तेज झोंका उस व्यक्ति यानी मनीषा कोइराला को एक महिला होने का खुलासा करते हुए साल से उड़ा देता है। अमर उसे बहुत आकर्षक लगता है और बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे थोड़ा अनदेखा करता है और फिर उससे एक कप चाय मांगता है। जब वह चाय लेकर लौटता है तो वह देखता है कि वह अगली ट्रेन में 3 पुरुष यात्रियों के साथ सवार है और दूसरी और दूर तक सवारी करता है। बाद में अमर ने उसी महिला को सिलचर में स्पॉट किया। वह उससे बात करने का प्रयास करता है, लेकिन वह कहती है कि वह उससे पहले याद नहीं कर सकती। भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के अवसर पर आपने समाचार रिपोर्टिंग असाइनमेंट के हिस्से के रूप में अमर असम के कई नागरिकों और एक चरमपंथी प्रमुख गौतम बोरा का साक्षात्कार लेते हैं, जो दावा करते हैं कि इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन और गरीबी के कारण भारत सरकार और यह की मुक्तिदाता सरकार के साथ किसी भी तरह के संवाद में प्रवेश करने की इच्छा नहीं रखते हैं और आगे उत्तर पूर्व में अपने प्रतिरोध को सही ठहराते हैं। कुछ हफ्तों बाद अमर ने रेडियो पर महिला के साथ अपनी मुठभेड़ का वर्णन किया, जिससे वह सुनती है और फिर से उसे एक पोस्ट ऑफिस में स्पॉट करता है। इस मोड़ पर वह उसे अकेले छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे घर तक पीछा करता है और उसे बताता है कि वह उसके साथ प्यार में है। वह प्रतिरोध करती है और अमर को बताती है कि वह शादीशुदा है, मगर अमर उससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन वह 2 पुरुषों के साथ आता है जो उसे बेहोश कर देते हैं। पिटाई के दौरान अमर को पता चलता है कि पुरुष संभवतः उसके भाई हैं और उसने उसे शादी करने के बारे में झूठ बोला था। वह अपने घर पहुंचता है और स्थानीय लोगों से सीखता है कि उसने जगह छोड़ दी है। उसके बाद अमर डाकघर जाता है। वहां उसने शुरुआत में देखा और पीसीओ मालिक को उसका संपर्क ब्यूरो देने के लिए रिश्वत दी और उसे पता चला कि वह लद्दाख को फोन कर रहा है।
इसके बाद अमर लेह की यात्रा करता है और सिंध दर्शन महोत्सव की रिकॉर्डिंग करते समय एक आत्मघाती हमलावर को सेना द्वारा मार दिया जाता है और अमर महिला को फिर से गोली मार देता है। जैसा कि महिला और अमर बोर्ड एक बस में हैं, सैन्य अधिकारियों ने प्रत्येक यात्री से सवाल किया कि बस को छोड़ने की अनुमति है या नहीं, जबकि अमर ने अधिकारियों को बताया कि वह त्यौहार पर वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है। महिला अपने फायदे के लिए अमर का इस्तेमाल करती है और अधिकारियों को बताती है कि अमर उसका पति है। कुछ यात्रा के बाद बस छूट जाती है और यात्रियों को पास के गांव तक पैदल जाना पड़ता है। एन मार्ग अमर ने महिला को अपना नाम प्रकट करने के लिए मजबूर किया मेघना। दोनों एक साथ यात्रा करते हैं और पुनराव्रत करते हैं। सुबह में अमर मेघना को खोजने के लिए उठा। बाद में यह पता चलता है कि मेघना एक रिबेलियनिस्ट समूह का हिस्सा है जिसने आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली में कई आत्मघाती हमलों की योजना बनाई है। अमर दिल्ली में अपने घर लौटता है जहाँ उसके परिवार ने केरल की प्रीति नायर यानी प्रीति जिंटा को उसके लिए एक संभावित दुल्हन के रूप में पाया है। अमर प्रीति से शादी करने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं है कि वह कभी मेघना से दोबारा मिल पाएगा। प्रीति के साथ अपनी डेट पर अमर ने मेघना को सहयोगियों से एक किम को स्पॉट किया जिसने उसे पहले गायब कर दिया था मगर उसका पीछा कनॉट प्लेस तक किया, जहां स्थानीय पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद वह व्यक्ति खुद को साइनाइड की गोली से मारता है। स्थित के उग्रवादी प्रकट के कारण पुलिस घटना को सीबीआई को सौंप देती है। अमर के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, मेघना दिल्ली में दिखाई देती है और अमर से आलिया के रेडियो ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी पाने में मदद करने के लिए कहती है। बाद में यह पता चलता है कि मेघना वास्तव में अपने आतंकवादी समूह के साथ दिल्ली पहुंचती है और ओह डार्लिंग यह है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की एक भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमरीश पुरी ने अभिनय किया है। इसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था केतन मेहता ने, इसे लिखा था पार्वती बाल गोपालन ने, ये उत्पादित की गई थी केतन मेहता के द्वारा। इसमें कुल अभिनेता हैं शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें संगीत दिया था रंजीत बरोटा ने। यह वितरित हुई थी केतन मेहता प्रोडक्शन के द्वारा। जो थी 11 अगस्त 1995 को। ये इस मूवी की लंबाई 157 मिनट है। ये हिंदी भाषा में भारत में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 2.25 करोड़ रुपए है। अब आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। डॉन क्विस्कोट यानी अमरीश पुरी एक डॉन है जो व्यापक रूप से प्रचलित नीलामी में भारत को बेचने की योजना बना रहा है। उसकी योजना सरल है, राष्ट्रपति यानी अनुपम खेर का अपहरण कर ले, उसकी जगह एक हमशकल यानी अनुपम खेर भी ले ले, डराए और नकली राष्ट्रपति को भारत बेचने के लिए मजबूर करे। हीरो यानी शाहरुख खान बॉम्बे में नया है और टूट गया है। मिस इंडिया ने दीपा शाही उस रात को जीने में व्यस्त है। जब वह हीरो से मिलती है तो मिलते हैं और किसी भी तरह से एक दूसरे का मनोरंजन करते हुए रात बिताने का फैसला करते हैं। इस बीच डॉन विस्फोटक के बेटे प्रिंस जावेद जाफरी की निगाहें मिस इंडिया पर टिकी हैं जो उससे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। रात हीरो और मिस इंडिया के लिए एक साहसिक रात बन जाती है। हीरो को पता चलता है कि मिस इंडिया के पिता एक शराबी हैं जो चाहते हैं कि वह बेसा व्रत में प्रवेश करे, जबकि मिस इंडिया को पता चलता है कि हीरो को ब्रेन ट्यूमर है। जब उन्हें क्विस्कोट की योजनाओं का पता चलता है तो वे राष्ट्रपति को बचाने का फैसला करते हैं। कुछ दंगों में क्विस्कोट मारा जाता है और प्रिंस उसकी गद्दी संभाल लेता है। प्रिंस अपने पिता की योजना को जारी रखने का फैसला करता है। हीरो और मिस इंडिया भेष बदल कर उस सभागार में प्रवेश करने का प्रबंध करते हैं जहाँ नीलामी हो रही है। राजकुमार अपने पिता के डॉन पोशाक में अचानक अपने अनुचरों के साथ प्रवेश करता है। हीरो, मिस इंडिया और उनके दोस्त सफलतापूर्वक क्रेनियों पर काबू पा लेते हैं। हीरो और मिस इंडिया द्वारा पहले बचाए गए कुछ लोगों ने नकली राष्ट्रपति को मार डाला। उनके मुंह में एक नली ढकेल दी जिससे उनका पेट फूल गया और फट गया। जब प्रिंस हीरो और मिस इंडिया पर हमला करता है जिससे वे दोनों कांच तोड़कर इमारत से बाहर गिर जाते हैं तो हीरो और मिस इंडिया प्रिंस के शरीर के लिए भारतीय झंडे से एक पैराशूट बनाते हैं। कूदने के दौरान राजकुमार की मौत हो जाती है। हीरो और मिस इंडिया एक ही छत पर उतरते हैं, हैंडबल डेकर बस, और हीरो ने घोषणा की कि वह जिंदा होने से खुश है। जब मिस इंडिया उसे याद दिलाती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है तो हीरो उसे बताता है कि उसने जो एक्सरे देखा था वह 1.5 साल पहले किया गया था। शाहरुख खान ने इसमें हीरो के रूप में भूमिका निभाई है, दीपा शाही ने इसमें मिस इंडिया बनी है और डॉन क्विस्कोट के रूप में अमरीश पुरी हैं। जावेद जाफरी डॉन के राजकुमार के रूप में हैं। अनुपम खेर भारत के राष्ट्रपति नाथुराम के रूप में हैं और भी इसमें बहुत सारे किरदार हैं। इस फिल्म में कुल 11 गाने हैं जिनके बोल हैं, तो इस पे मरता हूं, पर मिला, आजा आजा, रात है कयामत, खुल्लम खुल्ला, चू लेने दे और ओ डार्लिंग ये है इंडिया, मैं हूँ कौन, पब्लिक को हंसाओ, बाप रे बाप, प्यार बेचती हूँ, जिसे गाया था रंजीत बरोट, अलीसा चिनाय, शंकर महादेवन, हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी, नुसरत फले अली खान, श्वेता शेट्टी और हेमा दरसाई,
शंकर महादेवन, रघुबीर यादव, विनोद राठौड़, सुदेश भोसले, जावेद जाफरी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ डार्लिंग ये है इंडिया मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ओ डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है, जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमृत पुरी ने अभिनय किया है, जिसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में है। ये डायरेक्ट की गई थी केतन मेहता के द्वारा, प्रोड्यूस की गई थी केतन मेहता के द्वारा और ये लिखी गई थी पार्वती बलागोपालन के द्वारा। इसमें स्टारिंग थे शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें म्यूजिक दिया था रंजीत बरोट ने। यह मूवी रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये थी 157 मिनट की मूवी। इसका बजट था 2.25 करोड़ रुपए और ये हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें शाहरुख खान एक हीरो के रूप में थे, दीपा शाही आज मिस इंडिया के रूप में थी और अमरीश पुरी अजय डॉन क्यूस्टोन के रूप में थे, जावेद जाफरी अजय प्रिंस डॉन के रूप में थे, अनुपम खेर अजय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी नाथूराम के रूप में थे। तो चलिए बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक की। इसमें पहला सॉन्ग था तुझ पे मरता हूँ, जिसको गाया था रंजीत बरोट और अलीसा चेन्नई ने, और दूसरा सॉन्ग था पर मिला, जिसे गाया था शंकर मधुवन ने, तीसरा सॉन्ग था आजा आजा, जिसे गाया था हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी और नुसरत फतेह अली खान, चौथा सॉन्ग था रात है कयामत, जिसे गाया था श्वेता शेट्टी ने, पाँचवा सॉन्ग था लम खुल्ला, जिसे गाया था शंकर माधवन हम्मा सरदेसी ने, छठा सॉन्ग था छू लेने दे, जिसे गाया था शंकर मधवन हेना सरदेसी, सातवां सॉन्ग था ओ डार्लिंग ये है इंडिया, जिसे गाया था शंकर मधवन हेमा सरदेसी, रघुवर यादव, आठवां सॉन्ग था मैं हूँ कौन, जिसे गाया था विनोद राठौड़, नवा सॉन्ग था पब्लिक को हंसाओ, जिसे गाया था शंकर महादेवन और सुरेश भोसले, दसवां सॉन्ग था बाप रे बाप, जिसे गाया था जावेद जाफरी और शंकर मधवन ने, ग्यारहवां सॉन्ग था प्यार बेचती हूँ, जिसे गाया था हेमा सरदेसी ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल से मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल से 1998 में बनी रोमांटिक थ्रिलर हिंदी फिल्म है, जो आतंकवाद और उत्तर पूर्वी राज्यों के तनाव पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम ने किया है, वही निर्माता राम गोपाल वर्मा तथा शेखर कपूर ने योगदान किया है। यह रिलीज हुई थी 21 अगस्त 1998 को भारत में हिंदी भाषा में और असमी और तमिल भाषा में रिलीज हुई थी। इसे तमिल में उतरे तथा तेलुगु में प्रेमत्तु नाम से रिलीज किया गया था। इसके मुख्य किरदार शाहरुख खान, मनीषा कोइराला तथा नवोदित अभिनेत्री प्रीति जिंटा थे। फिल्म की पटकथा मणिरत्न ने तिग्मांशु धूलिया के साथ लिखी तथा इस फिल्म में संगीत एआर रहमान ने दिया था तथा गीत को गुलजार ने कलमबंद किया था। यह रोचक संयोग है कि मणिरत्न की पिछली आतंकवाद विषय पर बनी रोजा और बॉम्बे के बाद यह तीसरी उनकी प्रस्तुत थी। फिल्म को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। संगीतकार एआर रहमान को इसके लिए उस साल का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। अमरकांत वर्मा यानी शाहरुख खान ऑल इंडिया रेडियो के लिए कार्यक्रम कार्यकारी है, जो नई दिल्ली आसमा में उत्सव को कवर करने के लिए भेजा जाता है। अपने रास्ते में एक बरसात की रात के दौरान अमर बाराक घाटी एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए हाफलोंग स्टेशन ट्रेन पर रुकता है। हाफलोंग ट्रेन स्टेशन पर रुकता है। जब वह इंतजार करता है तो वह धूम्रपान करने की कोशिश करता है और एक रहस्यमय व्यक्ति से मैच या लाइटर के लिए पूछता है। अचानक हवा का एक तेज झोंका उस व्यक्ति यानी मनीषा कोइराला को एक महिला होने का खुलासा करते हुए साल से उड़ा देता है। अमर उसे बहुत आकर्षक लगता है और बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे थोड़ा अनदेखा करता है और फिर उससे एक कप चाय मांगता है। जब वह चाय लेकर लौटता है तो वह देखता है कि वह अगली ट्रेन में 3 पुरुष यात्रियों के साथ सवार है और दूसरी और दूर तक सवारी करता है। बाद में अमर ने उसी महिला को सिलचर में स्पॉट किया। वह उससे बात करने का प्रयास करता है, लेकिन वह कहती है कि वह उससे पहले याद नहीं कर सकती। भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के अवसर पर आपने समाचार रिपोर्टिंग असाइनमेंट के हिस्से के रूप में अमर असम के कई नागरिकों और एक चरमपंथी प्रमुख गौतम बोरा का साक्षात्कार लेते हैं, जो दावा करते हैं कि इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन और गरीबी के कारण भारत सरकार और यह की मुक्तदत्ता सरकार के साथ किसी भी तरह के संवाद में प्रवेश करने की इच्छा नहीं रखते हैं और आगे उत्तर पूर्व में अपने प्रतिरोध को सही ठहराते हैं। कुछ हफ्तों बाद अमर ने रेडियो पर महिला के साथ अपनी मुठभेड़ का वर्णन किया, जिससे वह सुनती है और फिर से उसे एक पोस्ट ऑफिस में स्पॉट करता है। इस मोड़ पर वह उसे अकेले छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे घर तक पीछा करता है और उसे बताता है कि वह उसके साथ प्यार में है। वह प्रतिरोध करती है और अमर को बताती है कि वह शादीशुदा है, मगर
अमर उससे माफी मांगना चाहता है, लेकिन वह दो पुरुषों के साथ आता है जो उसे बेहोश कर देते हैं। पिटाई के दौरान अमर को पता चलता है कि पुरुष संभवतः उसके भाई हैं और उसने उसे शादी करने के बारे में झूठ बोला था। वह अपने घर पहुंचता है और स्थानीय लोगों से सीखता है कि उसने जगह छोड़ दी है। उसके बाद अमर डाकघर जाता है। वहां उसने शुरुआत में देखा और पीसीओ मालिक को उसका संपर्क ब्यूरो देने के लिए रिश्वत दी और उसे पता चला कि वह लद्दाख को फोन कर रहा है। इसके बाद अमर लेह की यात्रा करता है और सिंध दर्शन महोत्सव की रिकॉर्डिंग करते समय एक आत्मघाती हमलावर को सेना द्वारा मार दिया जाता है और अमर महिला को फिर से गोली मार देता है। जैसा कि महिला और अमर बोर्ड एक बस में हैं, सैन्य अधिकारियों ने प्रत्येक यात्री से सवाल किया कि बस को छोड़ने की अनुमति है या नहीं, जबकि अमर ने अधिकारियों को बताया कि वह त्यौहार पर वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है। महिला अपने फायदे के लिए अमर का इस्तेमाल करती है और अधिकारियों को बताती है कि अमर उसका पति है। कुछ यात्रा के बाद बस छूट जाती है और यात्रियों को पास के गांव तक पैदल जाना पड़ता है। एनमार्ग अमर ने महिला को अपना नाम प्रकट करने के लिए मजबूर किया मेघना। दोनों एक साथ यात्रा करते हैं और पुनराव्रत करते हैं। सुबह में अमर मेघना को खोजने के लिए उठा। बाद में यह पता चलता है कि मेघना एक रिबेलियनिस्ट समूह का हिस्सा है जिसने आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली में कई आत्मघाती हमलों की योजना बनाई है। अमर दिल्ली में अपने घर लौटता है जहाँ उसके परिवार ने केरल की प्रीति नायर यानी प्रीति जिंटा को उसके लिए एक संभावित दुल्हन के रूप में पाया है। अमर प्रीति से शादी करने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं है कि वह कभी मेघना से दोबारा मिल पाएगा। प्रीति के साथ अपनी डेट पर अमर ने मेघना को सहयोगियों से एक किम को स्पॉट किया जिसने उसे पहले गायब कर दिया था, मगर उसका पीछा कनॉट प्लेस तक किया जहाँ स्थानीय पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद वह व्यक्ति खुद को साइनाइड की गोली से मारता है। स्थित के उग्रवादी प्रकट के कारण पुलिस घटना को सीबीआई को सौंप देती है। अमर के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, मेघना दिल्ली में दिखाई देती है और अमर से आलिया के रेडियो ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी पाने में मदद करने के लिए कहती है। बाद में यह पता चलता है कि मेघना वास्तव में अपने आतंकवादी समूह के साथ दिल्ली पहुंचती है और ओह डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की एक भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमरीश पुरी ने अभिनय किया है। इसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था केतन मेहता ने, इसे लिखा था पार्वती बाल गोपालन ने। ये उत्पादित की गई थी केतन मेहता के द्वारा। इसमें कुल अभिनेता हैं शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें संगीत दिया था रंजीत बरोटा ने। ये वितरित हुई थी केतन मेहता प्रोडक्शन के द्वारा। ये रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये इस मूवी की लंबाई 157 मिनट है। ये हिंदी भाषा में भारत में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 2.25 करोड़ रुपये है। अब आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। डॉन क्विस्कोट यानी अमरीश पुरी एक डॉन है जो व्यापक रूप से प्रचलित नीलामी में भारत को बेचने की योजना बना रहा है। उसकी योजना सरल है, राष्ट्रपति यानी अनुपम खेर अपहरण कर ले, उसकी जगह एक हमशक्ल यानी अनुपम खेर भी ले ले, डराए और नकली राष्ट्रपति को भारत बेचने के लिए मजबूर करे। हीरो यानी शाहरुख खान बॉम्बे में नया है और टूट गया है। मिस इंडिया यानी दीपा शाही उस रात को जीने में व्यस्त है। जब वह हीरो से मिलती है तो मिलते हैं और किसी भी तरह से एक दूसरे का मनोरंजन करते हुए रात बिताने का फैसला करते हैं। इस बीच डॉन विस्फोटक के बेटे प्रिंस यानी जावेद जाफरी की निगाहें मिस इंडिया पर टिकी हैं जो उससे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। रात हीरो और मिस इंडिया के लिए एक साहसिक रात बन जाती है। हीरो को पता चलता है कि मिस इंडिया के पिता एक शराबी हैं जो चाहते हैं कि वह बेसा व्रत में प्रवेश करे, जबकि मिस इंडिया को पता चलता है कि हीरो को ब्रेन ट्यूमर है। जब उन्हें क्विस्कोट की योजनाओं का पता चलता है तो वे राष्ट्रपति को बचाने का फैसला करते हैं। कुछ दंगों में क्विस्कोट मारा जाता है और प्रिंस उसकी गद्दी संभाल लेता है। प्रिंस अपने पिता की योजना को जारी रखने का फैसला करता है। हीरो और मिस इंडिया भेष बदल कर उस सभागार में प्रवेश करने का प्रबंध करते हैं जहाँ नीलामी हो रही है। राजकुमार अपने पिता के डॉन पोशाक में अचानक अपने अनुचरों के साथ प्रवेश करता है। हीरो मिस इंडिया और उनके दोस्त सफलतापूर्वक क्रेनियों पर काबू पा लेते हैं। हीरो और मिस इंडिया द्वारा पहले बचाए गए कुछ लोगों ने नकली राष्ट्रपति को मार डाला, उनके मुंह में एक नली ढकेल दी जिससे उनका पेट फूल गया और फट गया। जब प्रिंस हीरो और मिस इंडिया पर हमला करता है जिससे वे दोनों कांच तोड़कर इमारत से बाहर गिर जाते हैं तो हीरो और मिस इंडिया प्रिंस के शरीर के लिए भारतीय झंडे से एक पैराशूट बनाते हैं। कूदने के दौरान राजकुमार की मौत हो जाती है। हीरो और मिस इंडिया एक ही छत पर उतरते हैं हैंडबल डेकर बस और हीरो ने घोषणा की कि वह जिंदा होने से खुश है। जब मिस इंडिया उसे याद दिलाती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है तो हीरो उसे बताता है कि उसने जो एक्सरे देखा था वह 1.5 साल पहले किया गया था।
शाहरुख खान ने इसमें हीरो के रूप में भूमिका निभाई है, दीपा साही ने इसमें मिस इंडिया बनी है और डॉन क्विकशॉट के रूप में अमरीश पुरी हैं, जावेद जाफरी डॉन के राजकुमार के रूप में हैं, अनुपम खेर भारत के राष्ट्रपति नाथुराम के रूप में हैं और भी इसमें बहुत सारे किरदार हैं। इस फिल्म में कुल 11 गाने हैं जिनके बोल हैं, तो इस पे मरता हूँ, पर मिला, आजा आजा, रात है कयामत, खुल्लम खुल्ला, चू लेने दे और ओ डार्लिंग ये है इंडिया, मैं हूँ कौन, पब्लिक को हंसाओ, बाप रे बाप, प्यार बेचती हूँ, जिसे गाया था रंजीत बरोट, अलीसा चिनाय, शंकर महादेवन, हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी, नुसरत फले अली खान, श्वेता शेट्टी और हेमा दरसाई, शंकर महादेवन, रघुबीर यादव, विनोद राठौड़, सुदेश भोसले, जावेद जाफरी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ डार्लिंग ये है इंडिया मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ओ डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है, जिसमें शाहरुख खान, दीपा साही, जावेद जाफरी और अमृत पुरी ने अभिनय किया है, जिसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में है। ये डायरेक्ट की गई थी केतन मेहता के द्वारा, प्रोड्यूस की गई थी केतन मेहता के द्वारा और ये लिखी गई थी पार्वती बलागोपालन के द्वारा। इसमें स्टारिंग थे शाहरुख खान, दीपा साही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें म्यूजिक दिया था रंजीत बरोट ने। ये मूवी रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये थी 157 मिनट की मूवी। इसका बजट था 2.25 करोड़ रुपए और ये हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें शाहरुख खान एक हीरो के रूप में थे, दीपा साही आज मिस इंडिया के रूप में थी और अमरीश पुरी अजय डॉन क्यूस्टोन के रूप में थे, जावेद जाफरी अजय प्रिंस डॉन के रूप में थे, अनुपम खेर अजय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी नाथुराम के रूप में थे। तो चलिए बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक की। इसमें पहला सॉन्ग था तुझ पे मरता हूँ, जिसको गाया था रंजीत बरोट और अलीसा चेन्नई ने, और दूसरा सॉन्ग था पर मिला, जिसे गाया था शंकर मधुवन ने, तीसरा सॉन्ग था आजा आजा, जिसे गाया था हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी और नुसरत फतेह अली खान, चौथा सॉन्ग था रात है कयामत, जिसे गाया था श्वेता शेट्टी ने, पांचवा सॉन्ग था खुल्लम खुल्ला, जिसे गाया था शंकर माधवन हम्मा सरदेसी ने, छठा सॉन्ग था छू लेने दे, जिसे गाया था शंकर मधवन हेना सरदेसी, सातवां सॉन्ग था ओ डार्लिंग ये है इंडिया, जिसे गाया था शंकर मधवन हेमा सरदेसी, रघुवर यादव, आठवां सॉन्ग था मैं हूँ कौन, जिसे गाया था विनोद राठौड़, नवा सॉन्ग था पब्लिक को हंसाओ, जिसे गाया था शंकर महादेवन और सुरेश भोसले, दसवां सॉन्ग था बाप रे बाप, जिसे गाया था जावेद जाफरी और शंकर मधवन ने, गेरवा सॉन्ग था प्यार बेचती हूँ, जिसे गाया था हेमा सरदेसी ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल से मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल से 1998 में बनी रोमांटिक थ्रिलर हिंदी फिल्म है, जो आतंकवाद और उत्तर पूर्वी राज्यों के तनाव पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम ने किया है, वही निर्माता रामगोपाल वर्मा तथा शेखर कपूर ने योगदान किया है। ये रिलीज हुई थी 21 अगस्त 1998 को भारत में हिंदी भाषा में और असमी और तमिल भाषा में रिलीज हुई थी। इसे तमिल में उतरे तथा तेलुगु में प्रेमत्तु नाम से रिलीज किया गया था। इसके मुख्य किरदार शाहरुख खान, मनीषा कोइराला तथा नवोदित अभिनेत्री प्रीति जिंटा थे। फिल्म की पटकथा मणिरत्न ने तिग्मांशु धूलिया के साथ लिखी तथा इस फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया था तथा गीत को गुलजार ने कलमबंद किया था। यह रोचक संयोग है कि मणिरत्न की पिछली आतंकवाद विषय पर बनी रोजा और बॉम्बे के बाद यह तीसरी उनकी प्रस्तुत थी। फिल्म को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। संगीतकार ए आर रहमान को इसके लिए उस साल का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। अमरकांत वर्मा यानी शाहरुख खान ऑल इंडिया रेडियो के लिए कार्यक्रम कार्यकारी है, जो नई दिल्ली आसमा में उस शो को कवर करने के लिए भेजा जाता है। अपने रास्ते में एक बरसात की रात के दौरान अमर बाराक घाटी एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए हाफलोंग स्टेशन ट्रेन पर रुकता है। हाफलोंग ट्रेन स्टेशन पर रुकता है। जब वह इंतजार करता है तो वह धूम्रपान करने की कोशिश करता है और एक रहस्यमय व्यक्ति से मैच या लाइटर के लिए पूछता है। अचानक हवा का एक तेज झोंका उस व्यक्ति यानी मनीषा कोइराल को एक महिला होने का खुलासा करते हुए साल से उड़ा देता है। अमर उसे बहुत आकर्षक लगता है और बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे थोड़ा अनदेखा करता है और फिर उससे एक कप चाय मांगता है। जब वह चाय लेकर लौटता है तो वह देखता है कि वह अगली ट्रेन में 3 पुरुष यात्रियों के साथ सवार है और दूसरी और दूर तक सवारी करता है। बाद में अमर ने उसी महिला को सिलचर में स्पॉट किया। वह उससे बात करने का प्रयास करता है, लेकिन वह कहती है कि वह उससे पहले याद नहीं कर सकती।
भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के अवसर पर आपने समाचार रिपोर्टिंग असाइनमेंट के हिस्से के रूप में अमर असम के कई नागरिकों और एक चरमपंथी प्रमुख गौतम बोरा का साक्षात्कार लेते हैं, जो दावा करते हैं कि इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन और गरीबी के कारण भारत सरकार और यह की मुक्तदत्ता सरकार के साथ किसी भी तरह के संवाद में प्रवेश करने की इच्छा नहीं रखते हैं और आगे उत्तर पूर्व में अपने प्रतिरोध को सही ठहराते हैं। कुछ हफ्तों बाद अमर ने रेडियो पर महिला के साथ अपनी मुठभेड़ का वर्णन किया, जिससे वह सुनती है और फिर से उसे एक पोस्ट ऑफिस में स्पॉट करता है। इस मोड़ पर वह उसे अकेले छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे घर तक पीछा करता है और उसे बताता है कि वह उसके साथ प्यार में है। वह प्रतिरोध करती है और अमर को बताती है कि वह शादीशुदा है, मगर अमर उससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन वह दो पुरुषों के साथ आता है जो उसे बेहोश कर देते हैं। पिटाई के दौरान अमर को पता चलता है कि पुरुष संभवतः उसके भाई हैं और उसने उसे शादी करने के बारे में झूठ बोला था। वह अपने घर पहुंचता है और स्थानीय लोगों से सीखता है कि उसने जगह छोड़ दी है। उसके बाद अमर डाक घर जाता है, वहां उसने शुरुआत में देखा और पीसीओ मालिक को उसका संपर्क ब्यौरा देने के लिए रिश्वत दी और उसे पता चला कि वह लद्दाख को फोन कर रहा है। इसके बाद अमर लेह की यात्रा करता है और सिंध दर्शन महोत्सव की रिकॉर्डिंग करते समय एक आत्मघाती हमलावर को सेना द्वारा मार दिया जाता है और अमर महिला को फिर से गोली मार देता है। जैसा कि महिला और अमर बोर्ड एक बस में हैं, सैन्य अधिकारियों ने प्रत्येक यात्री से सवाल किया कि बस को छोड़ने की अनुमति है या नहीं, जबकि अमर ने अधिकारियों को बताया कि वह त्यौहार पर वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है। महिला अपने फायदे के लिए अमर का इस्तेमाल करती है और अधिकारियों को बताती है कि अमर उसका पति है। कुछ यात्रा के बाद बस छूट जाती है और यात्रियों को पास के गांव तक पैदल जाना पड़ता है। एन मार्ग अमर ने महिला को अपना नाम प्रकट करने के लिए मजबूर किया मेघना। दोनों एक साथ यात्रा करते हैं और पुनराव्रत करते हैं। सुबह में अमर मेघना को खोजने के लिए उठा। बाद में यह पता चलता है कि मेघना एक रिबेलियनिस्ट समूह का हिस्सा है, जिसने आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली में कई आत्मघाती हमलों की योजना बनाई है। अमर दिल्ली में अपने घर लौटता है, जहां उसके परिवार ने केरल की प्रीति नारायण प्रीति जिंटा को उसके लिए एक संभावित दुल्हन के रूप में पाया है। अमर प्रीति से शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं है कि वह कभी मेघना से दोबारा मिल पाएगा। प्रीति के साथ अपनी डेट पर अमर ने मेघना को सहयोगियों से एक किम को स्पॉट किया, जिसने उसे पहले गायब कर दिया था, मगर उसका पीछा कनॉट प्लेस तक किया, जहां स्थानीय पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद वह व्यक्ति खुद को साइनाइड की गोली से मारता है। स्थिति के उग्रवादी प्रकट के कारण पुलिस घटना को सीबीआई को सौंप देती है। अमर के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, मेघना दिल्ली में दिखाई देती है और अमर से आलिया के रेडियो ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी पाने में मदद करने के लिए कहती है। बाद में पता चलता है कि मेघना वास्तव में अपने आतंकवादी समूह के साथ दिल्ली पहुंचती है और ओह डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की एक भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है, जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमरीश पुरी ने अभिनय किया है। इसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था केतन मेहता ने, इसे लिखा था पार्वती बाल गोपालन ने। यह उत्पादित की गई थी केतन मेहता के द्वारा। इसमें कुल अभिनेता हैं शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें संगीत दिया था रंजीत बरोटा ने। यह वितरित हुई थी केतन मेहता प्रोडक्शन के द्वारा। यह रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये इस मूवी की लंबाई 157 मिनट है। ये हिंदी भाषा में भारत में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 2.25 करोड़ रुपये है। अब आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। डॉन क्विस्कोट यानी अमरीश पुरी एक डॉन है, जो व्यापक रूप से प्रचलित नीलामी में भारत को बेचने की योजना बना रहा है। उसकी योजना सरल है, राष्ट्रपति यानी अनुपम खेर अपहरण कर ले, उसकी जगह एक हमशक्ल यानी अनुपम खेर भी ले ले, डराए और नकली राष्ट्रपति को भारत बेचने के लिए मजबूर करे। हीरो यानी शाहरुख खान बॉम्बे में नया है और टूट गया है। मिस इंडिया ने दीपा शाही उस रात को जीने में व्यस्त है। जब वह हीरो से मिलती है तो मिलते हैं और किसी भी तरह से एक दूसरे का मनोरंजन करते हुए रात बिताने का फैसला करते हैं। इस बीच डॉन विस्फोटक के बेटे प्रिंस जावेद जाफरी की निगाहें मिस इंडिया पर टिकी हैं, जो उससे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। रात हीरो और मिस इंडिया के लिए एक साहसिक रात बन जाती है। हीरो को पता चलता है कि मिस इंडिया के पिता एक शराबी हैं, जो चाहते हैं कि वह बेसा व्रत में प्रवेश करे, जबकि मिस इंडिया को पता चलता है कि हीरो को ब्रेन ट्यूमर है। जब उन्हें क्विस्कोट की योजनाओं का पता चलता है तो वे राष्ट्रपति को बचाने का फैसला करते हैं। कुछ दंगों में क्विस्कोट मारा जाता है और प्रिंस उसकी गद्दी संभाल लेता है। प्रिंस अपने पिता की योजना को जारी रखने का फैसला करता है। हीरो और मिस इंडिया भेष बदल कर उस सभागार में प्रवेश करने का प्रबंध करते हैं, जहाँ नीलामी हो रही है। राजकुमार अपने पिता के डॉन पोशाक में अचानक अपने अनुचरों के साथ प्रवेश करता है। हीरो, मिस इंडिया और उनके दोस्त सफलतापूर्वक क्रेनियों पर काबू पा लेते हैं। हीरो और मिस इंडिया द्वारा पहले बचा
बचाए गए कुछ लोगों ने नकली राष्ट्रपति को मार डाला। उनके मुंह में एक नली ढकेल दी जिससे उनका पेट फूल गया और फट गया। जब प्रिंस हीरो और मिस इंडिया पर हमला करता है जिससे वे दोनों कांच तोड़कर इमारत से बाहर गिर जाते हैं, तो हीरो और मिस इंडिया प्रिंस के शरीर के लिए भारतीय झंडे से एक पैराशूट बनाते हैं। कूदने के दौरान राजकुमार की मौत हो जाती है। हीरो और मिस इंडिया एक ही छत पर उतरते हैं हैंडबल डेकर बस, और हीरो ने घोषणा की कि वह जिंदा होने से खुश है। जब मिस इंडिया उसे याद दिलाती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है तो हीरो उसे बताता है कि उसने जो एक्सरे देखा था वह 1.5 साल पहले किया गया था। शाहरुख खान ने इसमें हीरो के रूप में भूमिका निभाई है। दीपा शाही ने इसमें मिस इंडिया बनी है और डॉन क्विकशॉट के रूप में अमरीश पुरी हैं। जावेद जाफरी डॉन के राजकुमार के रूप में हैं। अनुपम खेर भारत के राष्ट्रपति नाथुराम के रूप में हैं। और भी इसमें बहुत सारे किरदार हैं। इस फिल्म में कुल 11 गाने हैं जिनके बोल हैं तो इस पे मरता हूँ, पर मिला, आजा आजा, रात है कयामत, खुल्लम खुल्ला, चू लेने दे और ओ डार्लिंग ये है इंडिया, मैं हूँ कौन, पब्लिक को हंसाओ, बाप रे बाप, प्यार भेजती हूँ, जिसे गाया था रंजीत बरोट, अलीसा चिनाय, शंकर महादेवन, हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी, नुसरत फलेह अली खान, श्वेता शेट्टी और हेमा दरसाई, शंकर महादेवन, रघुबीर यादव, विनोद राठौड़, सुदेश भोसले, जावेद जाफरी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ डार्लिंग ये है इंडिया मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ओ डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमृत पुरी ने अभिनय किया है, जिसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में है। डायरेक्ट की गई थी केतन मेहता के द्वारा, प्रोड्यूस की गई थी केतन मेहता के द्वारा और ये लिखी गई थी पार्वती बलागोपालन के द्वारा। इसमें स्टारिंग थे शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें म्यूजिक दिया था रंजीत बरोट ने। यह मूवी रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। यह थी 157 मिनट की मूवी। इसका बजट था 2.25 करोड़ रुपए और ये हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें शाहरुख खान एक हीरो के रूप में थे, दीपा शाही आज मिस इंडिया के रूप में थी और अमरीश पुरी अजय डॉन क्यूस्टोन के रूप में थे, जावेद जाफरी अजय प्रिंस डॉन के रूप में थे, अनुपम खेर अजय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी नाथुराम के रूप में थे। तो चलिए बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक की। इसमें पहला सॉन्ग था तुझ पे मरता हूँ जिसको गाया था रंजीत बरोट और अलीसा चेन्नई ने, और दूसरा सॉन्ग था पर मिला जिसे गाया था शंकर मधुवन ने, तीसरा सॉन्ग था आजा आजा जिसे गाया था हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी और नुसरत फतेह अली खान, चौथा सॉन्ग था रात है कयामत जिसे गाया था श्वेता शेट्टी ने, पांचवा सॉन्ग था खुल्लम खुल्ला जिसे गाया था शंकर माधवन हम्मा सरदेसी ने, छठा सॉन्ग था छू लेने दे जिसे गाया था शंकर मधवन हेना सरदेसी, सातवां सॉन्ग था ओ डार्लिंग ये है इंडिया जिसे गाया था शंकर मधवन हेमा सरदेसी रघुवर यादव, आठवां सॉन्ग था मैं हूँ कौन जिसे गाया था विनोद राठौड़, नवा सॉन्ग था पब्लिक को हंसाओ जिसे गाया था शंकर महादेवन और सुरेश भोसले, दसवां सॉन्ग था बाप रे बाप जिसे गाया था जावेद जाफरी और शंकर मधवन ने, गेरवा सॉन्ग था प्यार बेचती हूँ जिसे गाया था हेमा सरदेसी ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल से मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल से 1998 में बनी रोमांटिक थ्रिलर हिंदी फिल्म है जो आतंकवाद और उत्तर पूर्वी राज्यों के तनाव पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम ने किया है, वही निर्माता राम गोपाल वर्मा तथा शेखर कपूर ने योगदान किया है। यह रिलीज हुई थी 21 अगस्त 1998 को, भारत में हिंदी भाषा में और असमी और तमिल भाषा में रिलीज हुई थी। इसे तमिल में उतरे तथा तेलुगु में प्रेमत्तु नाम से रिलीज किया गया था। इसके मुख्य किरदार शाहरुख खान, मनीषा कोइराला तथा नवोदित अभिनेत्री प्रीति जिंटा थे। फिल्म की पटकथा मणिरत्न ने तिग्मांशु धूलिया के साथ लिखी तथा इस फिल्म में संगीत एआर रहमान ने दिया था तथा गीत को गुलजार ने कलमबंद किया था। यह रोचक संयोग है कि मणिरत्न की पिछली आतंकवाद विषय पर बनी रोजा और बॉम्बे के बाद यह तीसरी उनकी प्रस्तुत थी। फिल्म को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 6 फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। संगीतकार एआर रहमान को इसके लिए उस साल का फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। अमरकांत वर्मा यानी शाहरुख खान ऑल इंडिया रेडियो के लिए कार्यक्रम कार्यकारी है जो नई दिल्ली आसमां में उत्सव को कवर करने के लिए भेजा जाता है। अपने रास्ते में एक बरसात की रात के दौरान अमर बाराग घाटी एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए हाफलोंग स्टेशन ट्रेन पर रुकता है।
हाफ लोन ट्रेन स्टेशन पर रुकता है। जब वह इंतजार करता है तो वह धूम्रपान करने की कोशिश करता है और एक रहस्यमय व्यक्ति से मैच या लाइटर के लिए पूछता है। अचानक हवा का एक तेज झोंका उस व्यक्ति यानी मनीषा कोयराल को एक महिला होने का खुलासा करते हुए साल से उड़ा देता है। अमर उसे बहुत आकर्षक लगता है और बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे थोड़ा अनदेखा करता है और फिर उससे एक कप चाय मांगता है। जब वह चाय लेकर लौटता है तो वह देखता है कि वह अगली ट्रेन में 3 पुरुष यात्रियों के साथ सवार है और दूसरी और दूर तक सवारी करता है। बाद में अमर ने उसी महिला को सिलचर में स्पॉट किया। वह उससे बात करने का प्रयास करता है, लेकिन वह कहती है कि वह उससे पहले याद नहीं कर सकती। भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के अवसर पर आपने समाचार रिपोर्टिंग असाइनमेंट के हिस्से के रूप में अमर असम के कई नागरिकों और एक चरमपंथी प्रमुख गौतम बोरा का साक्षात्कार लेते हैं, जो दावा करते हैं कि इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन और गरीबी के कारण भारत सरकार और यह की मुक्तिदाता सरकार के साथ किसी भी तरह के संवाद में प्रवेश करने की इच्छा नहीं रखते हैं और आगे उत्तर पूर्व में अपने प्रतिरोध को सही ठहराते हैं। कुछ हफ्तों बाद अमर ने रेडियो पर महिला के साथ अपनी मुठभेड़ का वर्णन किया, जिससे वह सुनती है और फिर से उसे एक पोस्ट ऑफिस में स्पॉट करता है। इस मोड़ पर वह उसे अकेले छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे घर तक पीछा करता है और उसे बताता है कि वह उसके साथ प्यार में है। वह प्रतिरोध करती है और अमर को बताती है कि वह शादीशुदा है, मगर अमर उससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन वह 2 पुरुषों के साथ आता है जो उसे बेहोश कर देते हैं। पिटाई के दौरान अमर को पता चलता है कि पुरुष संभवतः उसके भाई हैं और उसने उसे शादी करने के बारे में झूठ बोला था। वह अपने घर पहुंचता है और स्थानीय लोगों से सीखता है कि उसने जगह छोड़ दी है। उसके बाद अमर डाकघर जाता है। वहां उसने शुरुआत में देखा और पीसीओ मालिक को उसका संपर्क ब्यूरो देने के लिए रिश्वत दी और उसे पता चला कि वह लद्दाख को फोन कर रहा है। इसके बाद अमर लेह की यात्रा करता है और सिंध दर्शन महोत्सव की रिकॉर्डिंग करते समय एक आत्मघाती हमलावर को सेना द्वारा मार दिया जाता है और अमर महिला को फिर से गोली मार देता है। जैसा कि महिला और अमर बोर्ड एक बस में हैं, सैन्य अधिकारियों ने प्रत्येक यात्री से सवाल किया कि बस को छोड़ने की अनुमति है या नहीं, जबकि अमर ने अधिकारियों को बताया कि वह त्यौहार पर वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है। महिला अपने फायदे के लिए अमर का इस्तेमाल करती है और अधिकारियों को बताती है कि अमर उसका पति है। कुछ यात्रा के बाद बस छूट जाती है और यात्रियों को पास के गांव तक पैदल जाना पड़ता है। एन मार्ग अमर ने महिला को अपना नाम प्रकट करने के लिए मजबूर किया मेघना। दोनों एक साथ यात्रा करते हैं और पुनराव्रत करते हैं। सुबह में अमर मेघना को खोजने के लिए उठा। बाद में यह पता चलता है कि मेघना एक रिबेलियनिस्ट समूह का हिस्सा है, जिसने आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली में कई आत्मघाती हमलों की योजना बनाई है। अमर दिल्ली में अपने घर लौटता है, जहां उसके परिवार ने केरल की प्रीति नायर यानी प्रीति जिंटा को उसके लिए एक संभावित दुल्हन के रूप में पाया है। अमर प्रीति से शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं है कि वह कभी मेघना से दोबारा मिल पाएगा। प्रीति के साथ अपनी डेट पर अमर ने मेघना को सहयोगियों से एक किम को स्पॉट किया, जिसने उसे पहले गायब कर दिया था, मगर उसका पीछा कनॉट प्लेस तक किया, जहां स्थानीय पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद वह व्यक्ति खुद को साइनाइड की गोली से मारता है। स्थित के उग्रवादी प्रकट के कारण पुलिस घटना को सीबीआई को सौंप देती है। अमर के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, मेघना दिल्ली में दिखाई देती है और अमर से आलिया के रेडियो ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी पाने में मदद करने के लिए कहती है। बाद में यह पता चलता है कि मेघना वास्तव में अपने आतंकवादी समूह के साथ दिल्ली पहुंचती है और ओह डार्लिंग यह है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की एक भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है, जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमरीश पुरी ने अभिनय किया है। इसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था केतन मेहता ने, इसे लिखा था पार्वती बाल गोपालन ने। ये उत्पादित की गई थी केतन मेहता के द्वारा। इसमें कुल अभिनेता हैं शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें संगीत दिया था रंजीत बरोटा ने। यह वितरित हुई थी केतन मेहता प्रोडक्शन के द्वारा। हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये इस मूवी की लंबाई 157 मिनट है। ये हिंदी भाषा में भारत में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 2.25 करोड़ रुपए है। अब आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। डॉन क्विस्कोट यानी अमरीश पुरी एक डॉन है, जो व्यापक रूप से प्रचलित नीलामी में भारत को बेचने की योजना बना रहा है। उसकी योजना सरल है, राष्ट्रपति यानी अनुपम खेर का अपहरण कर ले, उसकी जगह एक हमशक्ल यानी अनुपम खेर भी ले ले, डराए और नकली राष्ट्रपति को भारत बेचने के लिए मजबूर करे। हीरो यानी शाहरुख खान बॉम्बे में नया है।
और टूट गया है। मिस इंडिया ने दीपा शाही उस रात को जीने में व्यस्त है। जब वह हीरो से मिलती है तो मिलते हैं और किसी भी तरह से एक दूसरे का मनोरंजन करते हुए रात बिताने का फैसला करते हैं। इस बीच डॉन विस्फोटक के बेटे प्रिंस एलिजाबेथ जाफरी की निगाहें मिस इंडिया पर टिकी हैं, जो उससे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। रात हीरो और मिस इंडिया के लिए एक साहसिक रात बन जाती है। हीरो को पता चलता है कि मिस इंडिया के पिता एक शराबी हैं, जो चाहते हैं कि वह बेसा व्रत में प्रवेश करे, जबकि मिस इंडिया को पता चलता है कि हीरो को ब्रेन ट्यूमर है। जब उन्हें क्विक शॉट की योजनाओं का पता चलता है तो वे राष्ट्रपति को बचाने का फैसला करते हैं। कुछ दंगों में क्विकशॉट मारा जाता है और प्रिंस उसकी गद्दी संभाल लेता है। प्रिंस अपने पिता की योजना को जारी रखने का फैसला करता है। हीरो और मिस इंडिया भेष बदल कर उस सभागार में प्रवेश करने का प्रबंध करते हैं जहां नीलामी हो रही है। राजकुमार अपने पिता के डॉन पोशाक में अचानक अपने अनुचरों के साथ प्रवेश करता है। हीरो मिस इंडिया और उनके दोस्त सफलतापूर्वक क्रेनियों पर काबू पा लेते हैं। हीरो और मिस इंडिया द्वारा पहले बचाए गए कुछ लोगों ने नकली राष्ट्रपति को मार डाला। उनके मुंह में एक नली ढकेल दी जिससे उनका पेट फूल गया और फट गया। जब प्रिंस हीरो और मिस इंडिया पर हमला करता है जिससे वे दोनों कांच तोड़कर इमारत से बाहर गिर जाते हैं, तो हीरो और मिस इंडिया प्रिंस के शरीर के लिए भारतीय झंडे से एक पैराशूट बनाते हैं। कूदने के दौरान राजकुमार की मौत हो जाती है। हीरो और मिस इंडिया एक ही छत पर उतरते हैं, हैंडबल डेकर बस, और हीरो ने घोषणा की कि वह जिंदा होने से खुश है। जब मिस इंडिया उसे याद दिलाती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है तो हीरो उसे बताता है कि उसने जो एक्सरे देखा था वह 1.5 साल पहले किया गया था। शाहरुख खान ने इसमें हीरो के रूप में भूमिका निभाई है। दीपा शाही ने इसमें मिस इंडिया बनी है और डॉन क्विकशॉट के रूप में अमरीश पुरी हैं। जावेद जाफरी डॉन के राजकुमार के रूप में हैं। अनुपम खेर भारत के राष्ट्रपति नाथुराम के रूप में हैं। और भी इसमें बहुत सारे किरदार हैं। इस फिल्म में कुल 11 गाने हैं जिनके बोल हैं तो इस पे मरता हूं, पर मिला, आजा आजा, रात है कयामत, खुल्लम खुल्ला, चू लेने दे, और ओ डार्लिंग ये है इंडिया, मैं हूँ कौन, पब्लिक को हंसाओ, बाप रे बाप, प्यार बेचती हूँ, जिसे गाया था रंजीत बरोट, अलीसा चिनाय, शंकर महादेवन, हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी, नुसरत फलेह अली खान, श्वेता शेट्टी और हेमा दरसाई, शंकर महादेवन, रघुबीर यादव, विनोद राठौड़, सुदेश भोसले, जावेद जाफरी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ डार्लिंग ये है इंडिया मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ओ डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमृत पुरी ने अभिनय किया है, जिसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में है। ये डायरेक्ट की गई थी केतन मेहता के द्वारा, प्रोड्यूस की गई थी केतन मेहता के द्वारा और ये लिखी गई थी पार्वती बलागोपालन के द्वारा। इसमें स्टारिंग थे शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें म्यूजिक दिया था रंजीत बरोट ने। यह मूवी रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये थी 157 मिनट की मूवी। इसका बजट था 2.25 करोड़ रुपए और ये हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें शाहरुख खान एक हीरो के रूप में थे, दीपा शाही आज मिस इंडिया के रूप में थी और अमरीश पुरी अजय डॉन क्यूस्टोन के रूप में थे, जावेद जाफरी अजय प्रिंस डॉन के रूप में थे, अनुपम खेर अजय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी नाथुराम के रूप में थे। तो चलिए बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक की। इसमें पहला सॉन्ग था तुझ पे मरता हूँ, जिसको गाया था रंजीत बरोट और अलीसा चेन्नई ने, और दूसरा सॉन्ग था पर मिला, जिसे गाया था शंकर मधुवन ने, तीसरा सॉन्ग था आजा आजा, जिसे गाया था हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी और नुसरत फतेह अली खान, चौथा सॉन्ग था रात है कयामत, जिसे गाया था श्वेता शेट्टी ने, पाँचवा सॉन्ग था खुल्लम खुल्ला, जिसे गाया था शंकर माधवन हम्मा सरदेसी ने, छठा सॉन्ग था छू लेने दे, जिसे गाया था शंकर मधवन हेना सरदेसी, सातवां सॉन्ग था ओ डार्लिंग ये है इंडिया, जिसे गाया था शंकर मधवन हेमा सरदेसी, रघुवर यादव, आठवां सॉन्ग था मैं हूँ कौन, जिसे गाया था विनोद राठौड़, नवा सॉन्ग था पब्लिक को हंसाओ, जिसे गाया था शंकर महादेवन और सुरेश भोसले, दसवां सॉन्ग था बाप रे बाप, जिसे गाया था जावेद जाफरी और शंकर मधवन ने, ग्यारहवां सॉन्ग था प्यार बेचती हूँ, जिसे गाया था हेमा सरदेसी ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल से मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल से 1998 में बनी रोमांटिक थ्रिलर हिंदी फिल्म है जो आतंकवाद और उत्तर पूर्वी राज्यों के तनाव पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम ने किया है, वही निर्माता राम गोपाल वर्मा तथा शेखर कपूर ने योगदान किया है। यह रिलीज हुई थी 21 अगस्त 1998 को भारत में हिंदी भाषा में और असमी और तमिल भाषा में रिलीज हुई थी। इसे तमिल में उतरे तथा तेलुगु में प्रेमत्तु नाम से रिलीज किया गया था।
इसके मुख्य किरदार शाहरुख खान, मनीषा कोइराला तथा नवोदित अभिनेत्री प्रीति जिंटा थे। फिल्म की पटकथा मणिरत्न ने तिग्मांशु धूलिया के साथ लिखी तथा इस फिल्म में संगीत एआर रहमान ने दिया था तथा गीत को गुलजार ने कलमबंद किया था। यह रोचक संयोग है कि मणिरत्न की पिछली आतंकवाद विषय पर बनी रोजा और बॉम्बे के बाद यह तीसरी उनकी प्रस्तुति थी। फिल्म को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। संगीतकार एआर रहमान को इसके लिए उस साल का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। अमरकांत वर्मा यानी शाहरुख खान ऑल इंडिया रेडियो के लिए कार्यक्रम कार्यकारी है, जो नई दिल्ली आसमा में उत्सवों को कवर करने के लिए भेजा जाता है। अपने रास्ते में एक बरसात की रात के दौरान अमर बाराक घाटी एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए हाफलोंग स्टेशन ट्रेन पर रुकता है। हाफलोंग ट्रेन स्टेशन पर रुकता है। जब वह इंतजार करता है तो वह धूम्रपान करने की कोशिश करता है और एक रहस्यमय व्यक्ति से मैच या लाइटर के लिए पूछता है। अचानक हवा का एक तेज झोंका उस व्यक्ति यानी मनीषा कोइराला को एक महिला होने का खुलासा करते हुए साल से उड़ा देता है। अमर उसे बहुत आकर्षक लगता है और बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे थोड़ा अनदेखा करता है और फिर उससे एक कप चाय मांगता है। जब वह चाय लेकर लौटता है तो वह देखता है कि वह अगली ट्रेन में 3 पुरुष यात्रियों के साथ सवार है और दूसरी और दूर तक सवारी करता है। बाद में अमर ने उसी महिला को सिलचर में स्पॉट किया। वह उससे बात करने का प्रयास करता है, लेकिन वह कहती है कि वह उससे पहले याद नहीं कर सकती। भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के अवसर पर आपने समाचार रिपोर्टिंग असाइनमेंट के हिस्से के रूप में अमर असम के कई नागरिकों और एक चरमपंथी प्रमुख गौतम बोरा का साक्षात्कार लेते हैं, जो दावा करते हैं कि इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन और गरीबी के कारण भारत सरकार और यह कि मुक्तिदत्ता सरकार के साथ किसी भी तरह के संवाद में प्रवेश करने की इच्छा नहीं रखते हैं और आगे उत्तर पूर्व में अपने प्रतिरोध को सही ठहराते हैं। कुछ हफ्तों बाद अमर ने रेडियो पर महिला के साथ अपनी मुठभेड़ का वर्णन किया, जिससे वह सुनती है और फिर से उसे एक पोस्ट ऑफिस में स्पॉट करता है। इस मोड़ पर वह उसे अकेले छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे घर तक पीछा करता है और उसे बताता है कि वह उसके साथ प्यार में है। वह प्रतिरोध करती है और अमर को बताती है कि वह शादीशुदा है, मगर अमर उससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन वह 2 पुरुषों के साथ आता है जो उसे बेहोश कर देते हैं। पिटाई के दौरान अमर को पता चलता है कि पुरुष संभवतः उसके भाई हैं और उसने उसे शादी करने के बारे में झूठ बोला था। वह अपने घर पहुंचता है और स्थानीय लोगों से सीखता है कि उसने जगह छोड़ दी है। उसके बाद अमर डाकघर जाता है। वहां उसने शुरुआत में देखा और पीसीओ मालिक को उसका संपर्क ब्यौरा देने के लिए रिश्वत दी और उसे पता चला कि वह लद्दाख को फोन कर रहा है। इसके बाद अमर लेह की यात्रा करता है और सिंध दर्शन महोत्सव की रिकॉर्डिंग करते समय एक आत्मघाती हमलावर को सेना द्वारा मार दिया जाता है और अमर महिला को फिर से गोली मार देता है। जैसा कि महिला और अमर बोर्ड एक बस में हैं, सैन्य अधिकारियों ने प्रत्येक यात्री से सवाल किया कि बस को छोड़ने की अनुमति है या नहीं, जबकि अमर ने अधिकारियों को बताया कि वह त्यौहार पर वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है। महिला अपने फायदे के लिए अमर का इस्तेमाल करती है और अधिकारियों को बताती है कि अमर उसका पति है। कुछ यात्रा के बाद बस छूट जाती है और यात्रियों को पास के गांव तक पैदल जाना पड़ता है। एन मार्ग अमर ने महिला को अपना नाम प्रकट करने के लिए मजबूर किया, मेघना। दोनों एक साथ यात्रा करते हैं और पुनराव्रत करते हैं। सुबह में अमर मेघना को खोजने के लिए उठा। बाद में यह पता चलता है कि मेघना एक रिबेलियन समूह का हिस्सा है, जिसने आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली में कई आत्मघाती हमलों की योजना बनाई है। अमर दिल्ली में अपने घर लौटता है, जहां उसके परिवार ने केरल की प्रीति नायर यानी प्रीति जिंटा को उसके लिए एक संभावित दुल्हन के रूप में पाया है। अमर प्रीति से शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं है कि वह कभी मेघना से दोबारा मिल पाएगा। प्रीति के साथ अपनी डेट पर अमर ने मेघना को सहयोगियों से एक किम को स्पॉट किया, जिसने उसे पहले गायब कर दिया था, मगर उसका पीछा कनॉट प्लेस तक किया, जहां स्थानीय पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद वह व्यक्ति खुद को साइनाइड की गोली से मारता है। स्थित के उग्रवादी प्रकट के कारण पुलिस घटना को सीबीआई को सौंप देती है। अमर के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, मेघना दिल्ली में दिखाई देती है और अमर से आलिया के रेडियो ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी पाने में मदद करने के लिए कहती है। बाद में यह पता चलता है कि मेघना वास्तव में अपने आतंकवादी समूह के साथ दिल्ली पहुंचती है और ओह डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की एक भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है, जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमरीश पुरी ने अभिनय किया है। इसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था केतन मेहता ने, इसे लिखा था पार्वती बाल गोपालन ने। ये उत्पादित की गई थी केतन मेहता के द्वारा। इसमें कुल अभिनेता हैं शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें संगीत दिया था रंजीत बरोटा ने। ये वितरित हुई थी केतन मेहता प्रोडक्शन के द्वारा। ये रिलीज
रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये इस मूवी की लंबाई 157 मिनट है। ये हिंदी भाषा में भारत में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 2.25 करोड़ रुपए है। अब आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। डॉन क्विस्कोट यानी अमरीश पुरी एक डॉन है जो व्यापक रूप से प्रचलित नीलामी में भारत को बेचने की योजना बना रहा है। उसकी योजना सरल है, राष्ट्रपति यानी अनुपम खेर का अपहरण कर ले, उसकी जगह एक हमशक्ल यानी अनुपम खेर भी ले ले, डराए और नकली राष्ट्रपति को भारत बेचने के लिए मजबूर करे। हीरो यानी शाहरुख खान बॉम्बे में नया है और टूट गया है। मिस इंडिया यानी दीपा शाही उस रात को जीने में व्यस्त है। जब वह हीरो से मिलती है तो मिलते हैं और किसी भी तरह से एक दूसरे का मनोरंजन करते हुए रात बिताने का फैसला करते हैं। इस बीच डॉन विस्फोटक के बेटे प्रिंस यानी जावेद जाफरी की निगाहें मिस इंडिया पर टिकी हैं जो उससे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। रात हीरो और मिस इंडिया के लिए एक साहसिक रात बन जाती है। हीरो को पता चलता है कि मिस इंडिया के पिता एक शराबी हैं जो चाहते हैं कि वह बेसा व्रत में प्रवेश करे, जबकि मिस इंडिया को पता चलता है कि हीरो को ब्रेन ट्यूमर है। जब उन्हें क्विस्कोट की योजनाओं का पता चलता है तो वे राष्ट्रपति को बचाने का फैसला करते हैं। कुछ दंगों में क्विस्कोट मारा जाता है और प्रिंस उसकी गद्दी संभाल लेता है। प्रिंस अपने पिता की योजना को जारी रखने का फैसला करता है। हीरो और मिस इंडिया भेष बदल कर उस सभागार में प्रवेश करने का प्रबंध करते हैं जहाँ नीलामी हो रही है। राजकुमार अपने पिता के डॉन पोशाक में अचानक अपने अनुचरों के साथ प्रवेश करता है। हीरो मिस इंडिया और उनके दोस्त सफलतापूर्वक क्रेनियों पर काबू पा लेते हैं। हीरो और मिस इंडिया द्वारा पहले बचाए गए कुछ लोगों ने नकली राष्ट्रपति को मार डाला, उनके मुंह में एक नली ढकेल दी जिससे उनका पेट फूल गया और फट गया। जब प्रिंस हीरो और मिस इंडिया पर हमला करता है जिससे वे दोनों कांच तोड़कर इमारत से बाहर गिर जाते हैं तो हीरो और मिस इंडिया प्रिंस के शरीर के लिए भारतीय झंडे से एक पैराशूट बनाते हैं। कूदने के दौरान राजकुमार की मौत हो जाती है। हीरो और मिस इंडिया एक ही छत पर उतरते हैं हैंडबल डेकर बस और हीरो ने घोषणा की कि वह जिंदा होने से खुश है। जब मिस इंडिया उसे याद दिलाती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है तो हीरो उसे बताता है कि उसने जो एक्सरे देखा था वह 1.5 साल पहले किया गया था। शाहरुख खान ने इसमें हीरो के रूप में भूमिका निभाई है। दीपा शाही ने इसमें मिस इंडिया बनी है और डॉन क्विस्कोट के रूप में अमरीश पुरी हैं। जावेद जाफरी डॉन के राजकुमार के रूप में हैं। अनुपम खेर भारत के राष्ट्रपति नाथूराम के रूप में हैं। और भी इसमें बहुत सारे किरदार हैं। इस फिल्म में कुल 11 गाने हैं जिनके बोल हैं तो इस पे मरता हूं, पर मिला, आजा आजा, रात है कयामत, खुल्लम खुल्ला, चू लेने दे और ओ डार्लिंग ये है इंडिया, मैं हूँ कौन, पब्लिक को हंसाओ, बाप रे बाप, प्यार भेजती हूँ, जिसे गाया था रंजीत बरोट, अली सचिनाय, शंकर महादेवन, हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी, नुसरत फले अली खान, श्वेता शेट्टी और हेमा दरसाई, शंकर महादेवन, रघुबीर यादव, विनोद राठौड़, सुदेश भोसले, जावेद जाफरी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ डार्लिंग ये है इंडिया मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ओ डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमृत पुरी ने अभिनय किया है जिसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में है। ये डायरेक्ट की गई थी केतन मेहता के द्वारा, प्रोड्यूस की गई थी केतन मेहता के द्वारा और ये लिखी गई थी पार्वती बलागोपालन के द्वारा। इसमें स्टारिंग थे शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें म्यूजिक दिया था रंजीत बरोट ने। ये मूवी रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये थी 157 मिनट की मूवी। इसका बजट था 2.25 करोड़ रुपए और ये हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें शाहरुख खान एक हीरो के रूप में थे, दीपा शाही आज मिस इंडिया के रूप में थी और अमरीश पुरी अजय डॉन क्यूस्टोन के रूप में थे, जावेद जाफरी अजय प्रिंस डॉन के रूप में थे, अनुपम खेर अजय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी नाथूराम के रूप में थे। तो चलिए बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक की। इसमें पहला सॉन्ग था तुझ पे मरता हूँ जिसको गाया था रंजीत बरोट और अलीसा चेन्नई ने, और दूसरा सॉन्ग था पर मिला जिसे गाया था शंकर मधुवन ने, तीसरा सॉन्ग था आजा आजा जिसे गाया था हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी और नुसरत फतेह अली खान, चौथा सॉन्ग था रात है कयामत जिसे गाया था श्वेता शेट्टी ने, पांचवा सॉन्ग था खुल्लम खुल्ला जिसे गाया था शंकर माधवन हम्मा सरदेसी ने, छठा सॉन्ग था छू लेने दे जिसे गाया था शंकर मधवन हेना सरदेसी, सातवां सॉन्ग था ओ डार्लिंग ये है इंडिया जिसे गाया था शंकर मधवन हेमा सरदेसी रघुवर यादव, आठवां सॉन्ग था मैं हूँ कौन जिसे गाया था विनोद राठौड़, नवा सॉन्ग था पब्लिक को हंसाओ जिसे गाया था शंकर महादेवन और सुरेश भोसले, दसवां सॉन्ग था बाप रे बाप जिसे गाया था जावेद जाफरी और शंकर मधवन ने, गेरवा सॉन्ग था प्यार भेजती हूँ जिसे गाया था हेमा सरदेसी ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल से मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं।
दिल से 1998 में बनी रोमांटिक थ्रिलर हिंदी फिल्म है जो आतंकवाद और उत्तर पूर्वी राज्यों के तनाव पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम ने किया है, वही निर्माता रामगोपाल वर्मा तथा शेखर कपूर ने योगदान किया है। ये रिलीज हुई थी 21 अगस्त 1998 को भारत में हिंदी भाषा में और असमी और तमिल भाषा में रिलीज हुई थी। इसे तमिल में उतरे तथा तेलुगु में प्रेमत्तु नाम से रिलीज किया गया था। इसके मुख्य किरदार शाहरुख खान, मनीषा कोइराला तथा नवोदित अभिनेत्री प्रीति जिंटा थे। फिल्म की पटकथा मणिरत्न ने तिग्मांशु धूलिया के साथ लिखी तथा इस फिल्म में संगीत एआर रहमान ने दिया था तथा गीत को गुलजार ने कलमबंद किया था। यह रोचक संयोग है कि मणिरत्न की पिछली आतंकवाद विषय पर बनी रोजा और बॉम्बे के बाद यह तीसरी उनकी प्रस्तुत थी। फिल्म को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 6 फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। संगीतकार एआर रहमान को इसके लिए उस साल का फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। अमरकांत वर्मा यानी शाहरुख खान ऑल इंडिया रेडियो के लिए कार्यक्रम कार्यकारी है जो नई दिल्ली आसमा में उस शो को कवर करने के लिए भेजा जाता है। अपने रास्ते में एक बरसात की रात के दौरान अमर बाराक घाटी एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए हाफलोंग स्टेशन ट्रेन पर रुकता है। हाफलोंग ट्रेन स्टेशन पर रुकता है। जब वह इंतजार करता है तो वह धूम्रपान करने की कोशिश करता है और एक रहस्यमय व्यक्ति से मैच या लाइटर के लिए पूछता है। अचानक हवा का एक तेज झोंका उस व्यक्ति यानी मनीषा कोइराल को एक महिला होने का खुलासा करते हुए साल से उड़ा देता है। अमर उसे बहुत आकर्षक लगता है और बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे थोड़ा अनदेखा करता है और फिर उससे एक कप चाय मांगता है। जब वह चाय लेकर लौटता है तो वह देखता है कि वह अगली ट्रेन में 3 पुरुष यात्रियों के साथ सवार है और दूसरी और दूर तक सवारी करता है। बाद में अमर ने उसी महिला को सिलचर में स्पॉट किया। वह उससे बात करने का प्रयास करता है, लेकिन वह कहती है कि वह उससे पहले याद नहीं कर सकती। भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के अवसर पर आपने समाचार रिपोर्टिंग असाइनमेंट के हिस्से के रूप में अमर असम के कई नागरिकों और एक चरमपंथी प्रमुख गौतम बोरा का साक्षात्कार लेते हैं जो दावा करते हैं कि इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन और गरीबी के कारण भारत सरकार और यह कि मुक्तिदत्ता सरकार के साथ किसी भी तरह के संवाद में प्रवेश करने की इच्छा नहीं रखते हैं और आगे उत्तर पूर्व में अपने प्रतिरोध को सही ठहराते हैं। कुछ हफ्तों बाद अमर ने रेडियो पर महिला के साथ अपनी मुठभेड़ का वर्णन किया, जिससे वह सुनती है और फिर से उसे एक पोस्ट ऑफिस में स्पॉट करता है। इस मोड़ पर वह उसे अकेले छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे घर तक पीछा करता है और उसे बताता है कि वह उसके साथ प्यार में है। वह प्रतिरोध करती है और अमर को बताती है कि वह शादीशुदा है, मगर अमर उससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन वह 2 पुरुषों के साथ आता है जो उसे बेहोश कर देते हैं। पिटाई के दौरान अमर को पता चलता है कि पुरुष संभवतः उसके भाई हैं और उसने उसे शादी करने के बारे में झूठ बोला था। वह अपने घर पहुंचता है और स्थानीय लोगों से सीखता है कि उसने जगह छोड़ दी है। उसके बाद अमर डाकघर जाता है। वहां उसने शुरुआत में देखा और पीसीओ मालिक को उसका संपर्क ब्यौरा देने के लिए रिश्वत दी और उसे पता चला कि वह लद्दाख को फोन कर रहा है। इसके बाद अमर लेह की यात्रा करता है और सिंध दर्शन महोत्सव की रिकॉर्डिंग करते समय एक आत्मघाती हमलावर को सेना द्वारा मार दिया जाता है और अमर महिला को फिर से गोली मार देता है। जैसा कि महिला और अमर बोर्ड एक बस में हैं, सैन्य अधिकारियों ने प्रत्येक यात्री से सवाल किया कि बस को छोड़ने की अनुमति है या नहीं, जबकि अमर ने अधिकारियों को बताया कि वह त्यौहार पर वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है। महिला अपने फायदे के लिए अमर का इस्तेमाल करती है और अधिकारियों को बताती है कि अमर उसका पति है। कुछ यात्रा के बाद बस छूट जाती है और यात्रियों को पास के गांव तक पैदल जाना पड़ता है। एन मार्ग अमर ने महिला को अपना नाम प्रकट करने के लिए मजबूर किया मेघना। दोनों एक साथ यात्रा करते हैं और पुनराव्रत करते हैं। सुबह में अमर मेघना को खोजने के लिए उठा। बाद में यह पता चलता है कि मेघना एक रिबलेटनी समूह का हिस्सा है जिसने आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली में कई आत्मघाती हमलों की योजना बनाई है। अमर दिल्ली में अपने घर लौटता है जहाँ उसके परिवार ने केरल की प्रीति नायर यानी प्रीति जिंटा को उसके लिए एक संभावित दुल्हन के रूप में पाया है। अमर प्रीति से शादी करने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं है कि वह कभी मेघना से दोबारा मिल पाएगा। प्रीति के साथ अपनी डेट पर अमर ने मेघना को सहयोगियों से एक किम को स्पॉट किया जिसने उसे पहले गायब कर दिया था, मगर उसका पीछा कनॉट प्लेस तक किया जहां स्थानीय पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद वह व्यक्ति खुद को साइनाइड की गोली से मारता है। स्थिति के उग्रवादी प्रकट के कारण पुलिस घटना को सीबीआई को सौंप देती है। अमर के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, मेघना दिल्ली में दिखाई देती है और अमर से आलिया के रेडियो ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी पाने में मदद करने के लिए कहती है। बाद में यह पता चलता है कि मेघना वास्तव में अपने आतंकवादी समूह के साथ दिल्ली पहुंचती है और
ओह डार्लिंग यह है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की एक भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमरीश पुरी ने अभिनय किया है। इसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था केतन मेहता ने, इसे लिखा था पार्वती बाल गोपालन ने। यह उत्पादित की गई थी केतन मेहता के द्वारा। इसमें कुल अभिनेता हैं शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें संगीत दिया था रंजीत बरोटा ने। यह वितरित हुई थी केतन मेहता प्रोडक्शन के द्वारा। यह रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये इस मूवी की लंबाई 157 मिनट है। ये हिंदी भाषा में भारत में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 2.25 करोड़ रुपये है। अब आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। डॉन क्विस्कोट यानी अमरीश पुरी एक डॉन है जो व्यापक रूप से प्रचलित नीलामी में भारत को बेचने की योजना बना रहा है। उसकी योजना सरल है, राष्ट्रपति यानी अनुपम खेर अपहरण कर ले, उसकी जगह एक हमशक्ल यानी अनुपम खेर भी ले ले, डराए और नकली राष्ट्रपति को भारत बेचने के लिए मजबूर करे। हीरो यानी शाहरुख खान बॉम्बे में नया है और टूट गया है। मिस इंडिया ने दीपा शाही उस रात को जीने में व्यस्त है। जब वह हीरो से मिलती है तो मिलते हैं और किसी भी तरह से एक दूसरे का मनोरंजन करते हुए रात बिताने का फैसला करते हैं। इस बीच डॉन विस्फोटक के बेटे प्रिंस यानी जावेद जाफरी की निगाहें मिस इंडिया पर टिकी हैं जो उससे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। रात हीरो और मिस इंडिया के लिए एक साहसिक रात बन जाती है। हीरो को पता चलता है कि मिस इंडिया के पिता एक शराबी हैं जो चाहते हैं कि वह बेसा व्रत में प्रवेश करे, जबकि मिस इंडिया को पता चलता है कि हीरो को ब्रेन ट्यूमर है। जब उन्हें क्विस्कोट की योजनाओं का पता चलता है तो वे राष्ट्रपति को बचाने का फैसला करते हैं। कुछ दंगों में क्विस्कोट मारा जाता है और प्रिंस उसकी गद्दी संभाल लेता है। प्रिंस अपने पिता की योजना को जारी रखने का फैसला करता है। हीरो और मिस इंडिया भेष बदल कर उस सभागार में प्रवेश करने का प्रबंध करते हैं जहाँ नीलामी हो रही है। राजकुमार अपने पिता के डॉन पोशाक में अचानक अपने अनुचरों के साथ प्रवेश करता है। हीरो मिस इंडिया और उनके दोस्त सफलतापूर्वक क्रेनियों पर काबू पा लेते हैं। हीरो और मिस इंडिया द्वारा पहले बचाए गए कुछ लोगों ने नकली राष्ट्रपति को मार डाला, उनके मुंह में एक नली ढकेल दी जिससे उनका पेट फूल गया और फट गया। जब प्रिंस हीरो और मिस इंडिया पर हमला करता है जिससे वे दोनों कांच तोड़कर इमारत से बाहर गिर जाते हैं तो हीरो और मिस इंडिया प्रिंस के शरीर के लिए भारतीय झंडे से एक पैराशूट बनाते हैं। कूदने के दौरान राजकुमार की मौत हो जाती है। हीरो और मिस इंडिया एक ही छत पर उतरते हैं हैंडबल डेकर बस और हीरो ने घोषणा की कि वह जिंदा होने से खुश है। जब मिस इंडिया उसे याद दिलाती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है तो हीरो उसे बताता है कि उसने जो एक्सरे देखा था वह 1.5 साल पहले किया गया था। शाहरुख खान ने इसमें हीरो के रूप में भूमिका निभाई है। दीपा शाही ने इसमें मिस इंडिया बनी है और डॉन क्विस्कोट के रूप में अमरीश पुरी हैं। जावेद जाफरी डॉन के राजकुमार के रूप में हैं। अनुपम खेर भारत के राष्ट्रपति नाथुराम के रूप में हैं। और भी इसमें बहुत सारे किरदार हैं। इस फिल्म में कुल 11 गाने हैं जिनके बोल हैं तो इस पे मरता हूँ, पर मिला, आजा आजा, रात है कयामत, खुल्लम खुल्ला, चू लेने दे और ओ डार्लिंग ये है इंडिया, मैं हूँ कौन, पब्लिक को हंसाओ, बाप रे बाप, प्यार बेचती हूँ, जिसे गाया था रंजीत बरोट, अलीसा चिनाय, शंकर महादेवन, हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी, नुसरत फले अली खान, श्वेता शेट्टी और हेमा दरसाई, शंकर महादेवन, रघुबीर यादव, विनोद राठौड़, सुदेश भोसले, जावेद जाफरी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ डार्लिंग ये है इंडिया मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ओ डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमृत पुरी ने अभिनय किया है, जिसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में है। डायरेक्ट की गई थी केतन मेहता के द्वारा, प्रोड्यूस की गई थी केतन मेहता के द्वारा और ये लिखी गई थी पार्वती बालगोपालन के द्वारा। इसमें स्टारिंग थे शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें म्यूजिक दिया था रंजीत बरोट ने। यह मूवी रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। यह थी 157 मिनट की मूवी। इसका बजट था 2.25 करोड़ रुपए और ये हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें शाहरुख खान एक हीरो के रूप में थे, दीपा शाही आज मिस इंडिया के रूप में थी और अमरीश पुरी अजय डॉन क्यूस्टोन के रूप में थे, जावेद जाफरी अजय प्रिंस डॉन के रूप में थे, अनुपम खेर अजय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी नाथुराम के रूप में थे। तो चलिए बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक की। इसमें पहला सॉन्ग था तुझ पे मरता हूँ जिसको गाया था रंजीत बरोट और अलीसा चेन्नई ने, और दूसरा सॉन्ग था पर मिला जिसे गाया था शंकर मधुवन ने, तीसरा सॉन्ग था आजा आजा जिसे गाया था हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी और नुसरत फतेह अली खान, चौथा सॉन्ग था रात है कयामत जिसे गाया था श्वेता शेट्टी ने, पांचवा सॉन्ग था लम खुल्ला जिसे गाया था
शंकर माधवन हम्मा सरदेसी ने। छठा सांग था छोले ने दे जिसे गाया था शंकर मधवन है ना सरदेसी। सातवां सांग था ओ डार्लिंग ये है इंडिया जिसे गाया था शंकर मधवन हेमा सरदेसी रघुवर यादव। आठवां सांग था मैं हूँ कौन जिसे गाया था विनोद राठौड़। नवा सांग था पब्लिक को हंसाओ जिसे गाया था शंकर महादेवन और सुरेश भोसले। दसवां सांग था बाप रे बाप जिसे गाया था जावेद जैफरी और शंकर मधवन ने। ग्यारहवां सांग था प्यार बेचती हूँ जिसे गाया था हेमा सरदेसी ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल से मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल से 1998 में बनी रोमांटिक थ्रिलर हिंदी फिल्म है जो आतंकवाद और उत्तर पूर्वी राज्यों के तनाव पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम ने किया है, वही निर्माता राम गोपाल वर्मा तथा शेखर कपूर ने योगदान किया है। यह रिलीज हुई थी 21 अगस्त 1998 को भारत में हिंदी भाषा में और असमी और तमिल भाषा में रिलीज हुई थी। इसे तमिल में उतरे तथा तेलुगु में प्रेमत्तु नाम से रिलीज किया गया था। इसके मुख्य किरदार शाहरुख खान, मनीषा कोइराला तथा नवोदित अभिनेत्री प्रीति जिंटा थे। फिल्म की पटकथा मणिरत्न ने तिग्मांशु धूलिया के साथ लिखी तथा इस फिल्म में संगीत एआर रहमान ने दिया था तथा गीत को गुलजार ने कलमबंद किया था। यह रोचक संयोग है कि मणिरत्न की पिछली आतंकवाद विषय पर बनी रोजा और बॉम्बे के बाद यह तीसरी उनकी प्रस्तुत थी। फिल्म को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 6 फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। संगीतकार एआर रहमान को इसके लिए उस साल का फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। अमरकांत वर्मा यानी शाहरुख खान ऑल इंडिया रेडियो के लिए कार्यक्रम कार्यकारी है जो नई दिल्ली आसमां में उत्सव को कवर करने के लिए भेजा जाता है। अपने रास्ते में एक बरसात की रात के दौरान अमर बाराग घाटी एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए हाफलोंग स्टेशन ट्रेन पर रुकता है। हाफलोंग ट्रेन स्टेशन पर रुकता है। जब वह इंतजार करता है तो वह धूम्रपान करने की कोशिश करता है और एक रहस्यमय व्यक्ति से मैच या लाइटर के लिए पूछता है। अचानक हवा का एक तेज झोंका उस व्यक्ति यानी मनीषा कोइराला को एक महिला होने का खुलासा करते हुए साल से उड़ा देता है। अमर उसे बहुत आकर्षक लगता है और बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे थोड़ा अनदेखा करता है और फिर उससे एक कप चाय मांगता है। जब वह चाय लेकर लौटता है तो वह देखता है कि वह अगली ट्रेन में 3 पुरुष यात्रियों के साथ सवार और दूसरी और दूर तक सवारी करता है। बाद में अमर ने उसी महिला को सिलचर में स्पॉट किया। वह उससे बात करने का प्रयास करता है, लेकिन वह कहती है कि वह उससे पहले याद नहीं कर सकती। भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के अवसर पर आपने समाचार रिपोर्टिंग असाइनमेंट के हिस्से के रूप में अमर असम के कई नागरिकों और एक चरमपंथी प्रमुख गौतम बोरा का साक्षात्कार लेते हैं जो दावा करते हैं कि इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन और गरीबी के कारण भारत सरकार और यह की मुक्तदत्ता सरकार के साथ किसी भी तरह के संवाद में प्रवेश करने की इच्छा नहीं रखते हैं और आगे उत्तर पूर्व में अपने प्रतिरोध को सही ठहराते हैं। कुछ हफ्तों बाद अमर ने रेडियो पर महिला के साथ अपनी मुठभेड़ का वर्णन किया जिससे वह सुनती है और फिर से उसे एक पोस्ट ऑफिस में स्पॉट करता है। इस मोड़ पर वह उसे अकेले छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे घर तक पीछा करता है और उसे बताता है कि वह उसके साथ प्यार में है। वह प्रतिरोध करती है और अमर को बताती है कि वह शादीशुदा है, मगर अमर उससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन वह 2 पुरुषों के साथ आता है जो उसे बेहोश कर देते हैं। पिटाई के दौरान अमर को पता चलता है कि पुरुष संभवतः उसके भाई हैं और उसने उसे शादी करने के बारे में झूठ बोला था। वह अपने घर पहुंचता है और स्थानीय लोगों से सीखता है कि उसने जगह छोड़ दी है। उसके बाद अमर डाकघर जाता है। वहां उसने शुरुआत में देखा और पीसीओ मालिक को उसका संपर्क ब्यूरो देने के लिए रिश्वत दी और उसे पता चला कि वह लद्दाख को फोन कर रहा है। इसके बाद अमर लेह की यात्रा करता है और सिंध दर्शन महोत्सव की रिकॉर्डिंग करते समय एक आत्मघाती हमलावर को सेना द्वारा मार दिया जाता है और अमर महिला को फिर से गोली मार देता है। जैसा कि महिला और अमर बोर्ड एक बस में हैं, सैन्य अधिकारियों ने प्रत्येक यात्री से सवाल किया कि बस को छोड़ने की अनुमति है या नहीं, जबकि अमर ने अधिकारियों को बताया कि वह त्यौहार पर वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है। महिला अपने फायदे के लिए अमर का इस्तेमाल करती है और अधिकारियों को बताती है कि अमर उसका पति है। कुछ यात्रा के बाद बस छूट जाती है और यात्रियों को पास के गांव तक पैदल जाना पड़ता है। एन मार्ग अमर ने महिला को अपना नाम प्रकट करने के लिए मजबूर किया मेघना। दोनों एक साथ यात्रा करते हैं और पुनराव्रत करते हैं। सुबह में अमर मेघना को खोजने के लिए उठा। बाद में यह पता चलता है कि मेघना एक रिबलेटनी समूह का हिस्सा है जिसने आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली में कई आत्मघाती हमलों की योजना बनाई है।
अमर दिल्ली में अपने घर लौटता है, जहां उसके परिवार ने केरल की प्रीति नायर यानी प्रीति जिंटा को उसके लिए एक संभावित दुल्हन के रूप में पाया है। अमर प्रीति से शादी करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं है कि वह कभी मेघना से दोबारा मिल पाएगा। प्रीति के साथ अपनी डेट पर अमर ने मेघना को सहयोगियों से एक किम को स्पॉट किया, जिसने उसे पहले गायब कर दिया था, मगर उसका पीछा कनॉट प्लेस तक किया, जहां स्थानीय पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद वह व्यक्ति खुद को साइनाइड की गोली से मारता है। स्थित के उग्रवादी प्रकट के कारण पुलिस घटना को सीबीआई को सौंप देती है। अमर के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, मेघना दिल्ली में दिखाई देती है और अमर से आलिया के रेडियो ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी पाने में मदद करने के लिए कहती है। बाद में यह पता चलता है कि मेघना वास्तव में अपने आतंकवादी समूह के साथ दिल्ली पहुंचती है और ओह डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की एक भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है, जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमरीश पुरी ने अभिनय किया है। इसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था केतन मेहता ने, इसे लिखा था पार्वती बाल गोपालन ने। ये उत्पादित की गई थी केतन मेहता के द्वारा। इसमें कुल अभिनेता हैं शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें संगीत दिया था रंजीत बरोटा ने। यह वितरित हुई थी केतन मेहता प्रोडक्शन के द्वारा। हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये इस मूवी की लंबाई 157 मिनट है। ये हिंदी भाषा में भारत में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 2.25 करोड़ रुपए है। अब आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। डॉन क्विस्कोट यानी अमरीश पुरी एक डॉन है, जो व्यापक रूप से प्रचलित नीलामी में भारत को बेचने की योजना बना रहा है। उसकी योजना सरल है, राष्ट्रपति यानी अनुपम खेर का अपहरण कर ले, उसकी जगह एक हमशक्ल यानी अनुपम खेर भी ले ले, डराए और नकली राष्ट्रपति को भारत बेचने के लिए मजबूर करे। हीरो यानी शाहरुख खान बॉम्बे में नया है और टूट गया है। मिस इंडिया ने दीपा शाही उस रात को जीने में व्यस्त है। जब वह हीरो से मिलती है तो मिलते हैं और किसी भी तरह से एक दूसरे का मनोरंजन करते हुए रात बिताने का फैसला करते हैं। इस बीच डॉन विस्फोटक के बेटे प्रिंस जावेद जाफरी की निगाहें मिस इंडिया पर टिकी हैं, जो उससे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। रात हीरो और मिस इंडिया के लिए एक साहसिक रात बन जाती है। हीरो को पता चलता है कि मिस इंडिया के पिता एक शराबी हैं, जो चाहते हैं कि वह बेसा व्रत में प्रवेश करे, जबकि मिस इंडिया को पता चलता है कि हीरो को ब्रेन ट्यूमर है। जब उन्हें क्विस्कोट की योजनाओं का पता चलता है तो वे राष्ट्रपति को बचाने का फैसला करते हैं। कुछ दंगों में क्विस्कोट मारा जाता है और प्रिंस उसकी गद्दी संभाल लेता है। प्रिंस अपने पिता की योजना को जारी रखने का फैसला करता है। हीरो और मिस इंडिया भेष बदल कर उस सभागार में प्रवेश करने का प्रबंध करते हैं, जहाँ नीलामी हो रही है। राजकुमार अपने पिता के डॉन पोशाक में अचानक अपने अनुचरों के साथ प्रवेश करता है। हीरो, मिस इंडिया और उनके दोस्त सफलतापूर्वक क्रेनियों पर काबू पा लेते हैं। हीरो और मिस इंडिया द्वारा पहले बचाए गए कुछ लोगों ने नकली राष्ट्रपति को मार डाला, उनके मुंह में एक नली ढकेल दी, जिससे उनका पेट फूल गया और फट गया। जब प्रिंस हीरो और मिस इंडिया पर हमला करता है, जिससे वे दोनों कांच तोड़कर इमारत से बाहर गिर जाते हैं, तो हीरो और मिस इंडिया प्रिंस के शरीर के लिए भारतीय झंडे से एक पैराशूट बनाते हैं। कूदने के दौरान राजकुमार की मौत हो जाती है। हीरो और मिस इंडिया एक ही छत पर उतरते हैं, हैंडबल डेकर बस, और हीरो ने घोषणा की कि वह जिंदा होने से खुश है। जब मिस इंडिया उसे याद दिलाती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, तो हीरो उसे बताता है कि उसने जो एक्सरे देखा था वह 1.5 साल पहले किया गया था। शाहरुख खान ने इसमें हीरो के रूप में भूमिका निभाई है, दीपा शाही ने इसमें मिस इंडिया बनी है और डॉन क्विस्कोट के रूप में अमरीश पुरी हैं, जावेद जाफरी डॉन के राजकुमार के रूप में हैं, अनुपम खेर भारत के राष्ट्रपति नाथुराम के रूप में हैं और भी इसमें बहुत सारे किरदार हैं। इस फिल्म में कुल 11 गाने हैं, जिनके बोल हैं तो इस पे मरता हूं, पर मिला, आजा आजा, रात है कयामत, खुल्लम खुल्ला, चू लेने दे और ओ डार्लिंग ये है इंडिया, मैं हूँ कौन, पब्लिक को हंसाओ, बाप रे बाप, प्यार बेचती हूँ, जिसे गाया था रंजीत बरोट, अलीसा चिनाय, शंकर महादेवन, हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी, नुसरत फलेह अली खान, श्वेता शेट्टी और हेमा दरसाई, शंकर महादेवन, रघुबीर यादव, विनोद राठौड़, सुदेश भोसले, जावेद जाफरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ डार्लिंग ये है इंडिया मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ओ डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है, जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमृत पुरी ने अभिनय किया है, जिसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में है। ये डायरेक्ट की गई थी केतन मेहता के द्वारा, प्रोड्यूस की गई थी केतन मेहता के द्वारा और ये लिखी गई थी पार्वती बालगोपालन के द्वारा। इसमें स्टारिंग थे शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा।
इसमें म्यूजिक दिया था रंजीत बरोट ने। यह मूवी रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये थी 157 मिनट की मूवी। इसका बजट था 2.25 करोड़ रुपए और ये हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें शाहरुख खान एक हीरो के रूप में थे, दीपा शाही आज मिस इंडिया के रूप में थी और अमरीश पुरी अजय डॉन क्यूस्टोन के रूप में थे, जावेद जाफरी अजय प्रिंस डॉन के रूप में थे, अनुपम खेर अजय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी नाथूराम के रूप में थे। तो चलिए बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक की। इसमें पहला सॉन्ग था तुझ पे मरता हूँ, जिसको गाया था रंजीत बरोट और अलीसा चेन्नई ने, और दूसरा सॉन्ग था पर मिला, जिसे गाया था शंकर मधुवन ने, तीसरा सॉन्ग था आजा आजा, जिसे गाया था हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी और नुसरत फतेह अली खान, चौथा सॉन्ग था रात है कयामत, जिसे गाया था श्वेता शेट्टी ने, पांचवा सॉन्ग था लम खुल्ला, जिसे गाया था शंकर माधवन हम्मा सरदेसी ने, छठा सॉन्ग था छू लेने दे, जिसे गाया था शंकर मधवन हेना सरदेसी, सातवां सॉन्ग था ओ डार्लिंग ये है इंडिया, जिसे गाया था शंकर मधवन हेमा सरदेसी रघुवर यादव, आठवां सॉन्ग था मैं हूँ कौन, जिसे गाया था विनोद राठौड़, नवा सॉन्ग था पब्लिक को हंसाओ, जिसे गाया था शंकर महादेवन और सुरेश भोसले, दसवां सॉन्ग था बाप रे बाप, जिसे गाया था जावेद जयफरी और शंकर मधवन ने, ग्यारहवां सॉन्ग था प्यार बेचती हूँ, जिसे गाया था हेमा सरदेसी ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल से मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल से 1998 में बनी रोमांटिक थ्रिलर हिंदी फिल्म है, जो आतंकवाद और उत्तर पूर्वी राज्यों के तनाव पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम ने किया है, वही निर्माता राम गोपाल वर्मा तथा शेखर कपूर ने योगदान किया है। यह रिलीज हुई थी 21 अगस्त 1998 को भारत में हिंदी भाषा में और असमी और तमिल भाषा में रिलीज हुई थी। इसे तमिल में उतरे तथा तेलुगु में प्रेमत्तु नाम से रिलीज किया गया था। इसके मुख्य किरदार शाहरुख खान, मनीषा कोइराला तथा नवोदित अभिनेत्री प्रीति जिंटा थे। फिल्म की पटकथा मणिरत्न ने तिग्मांशु धूलिया के साथ लिखी तथा इस फिल्म में संगीत एआर रहमान ने दिया था तथा गीत को गुलजार ने कलमबंद किया था। यह रोचक संयोग है कि मणिरत्न की पिछली आतंकवाद विषय पर बनी रोजा और बॉम्बे के बाद यह तीसरी उनकी प्रस्तुत थी। फिल्म को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 6 फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। संगीतकार एआर रहमान को इसके लिए उस साल का फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। अमरकांत वर्मा यानी शाहरुख खान ऑल इंडिया रेडियो के लिए कार्यक्रम कार्यकारी है, जो नई दिल्ली आसमा में उस शो को कवर करने के लिए भेजा जाता है। अपने रास्ते में एक बरसात की रात के दौरान अमर बाराक घाटी एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए हाफलोंग स्टेशन ट्रेन पर रुकता है। हाफलोंग ट्रेन स्टेशन पर रुकता है। जब वह इंतजार करता है तो वह धूम्रपान करने की कोशिश करता है और एक रहस्यमय व्यक्ति से मैच या लाइटर के लिए पूछता है। अचानक हवा का एक तेज झोंका उस व्यक्ति यानी मनीषा कोइराला को एक महिला होने का खुलासा करते हुए साल से उड़ा देता है। अमर उसे बहुत आकर्षक लगता है और बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे थोड़ा अनदेखा करता है और फिर उससे एक कप चाय मांगता है। जब वह चाय लेकर लौटता है तो वह देखता है कि वह अगली ट्रेन में 3 पुरुष यात्रियों के साथ सवार है और दूसरी और दूर तक सवारी करता है। बाद में अमर ने उसी महिला को सिलचर में स्पॉट किया। वह उससे बात करने का प्रयास करता है, लेकिन वह कहती है कि वह उससे पहले याद नहीं कर सकती। भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के अवसर पर आपने समाचार रिपोर्टिंग असाइनमेंट के हिस्से के रूप में अमर असम के कई नागरिकों और एक चरमपंथी प्रमुख गौतम बोरा का साक्षात्कार लेते हैं, जो दावा करते हैं कि इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन और गरीबी के कारण भारत सरकार और यह कि मुक्तिदाता सरकार के साथ किसी भी तरह के संवाद में प्रवेश करने की इच्छा नहीं रखते हैं और आगे उत्तर पूर्व में अपने प्रतिरोध को सही ठहराते हैं। कुछ हफ्तों बाद अमर ने रेडियो पर महिला के साथ अपनी मुठभेड़ का वर्णन किया, जिससे वह सुनती है और फिर से उसे एक पोस्ट ऑफिस में स्पॉट करता है। इस मोड़ पर वह उसे अकेले छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे घर तक पीछा करता है और उसे बताता है कि वह उसके साथ प्यार में है। वह प्रतिरोध करती है और अमर को बताती है कि वह शादीशुदा है, मगर अमर उससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन वह 2 पुरुषों के साथ आता है जो उसे बेहोश कर देते हैं। पिटाई के दौरान अमर को पता चलता है कि पुरुष संभवतः उसके भाई हैं और उसने उसे शादी करने के बारे में झूठ बोला था। वह अपने घर पहुंचता है और स्थानीय लोगों से सीखता है कि उसने जगह छोड़ दी है। उसके बाद अमर डाकघर जाता है। वहां उसने शुरुआत में देखा और पीसीओ मालिक को उसका संपर्क ब्यौरा देने के लिए रिश्वत दी और उसे पता चला कि वह लद्दाख को फोन कर रहा है।
इसके बाद अमर लेह की यात्रा करता है और सिंध दर्शन महोत्सव की रिकॉर्डिंग करते समय एक आत्मघाती हमलावर को सेना द्वारा मार दिया जाता है और अमर महिला को फिर से गोली मार देता है। जैसा कि महिला और अमर बोर्ड एक बस में हैं, सैन्य अधिकारियों ने प्रत्येक यात्री से सवाल किया कि बस को छोड़ने की अनुमति है या नहीं, जबकि अमर ने अधिकारियों को बताया कि वह त्यौहार पर वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है। महिला अपने फायदे के लिए अमर का इस्तेमाल करती है और अधिकारियों को बताती है कि अमर उसका पति है। कुछ यात्रा के बाद बस छूट जाती है और यात्रियों को पास के गांव तक पैदल जाना पड़ता है। एन मार्ग अमर ने महिला को अपना नाम प्रकट करने के लिए मजबूर किया मेघना। दोनों एक साथ यात्रा करते हैं और पुनराव्रत करते हैं। सुबह में अमर मेघना को खोजने के लिए उठा। बाद में यह पता चलता है कि मेघना एक रिबेलियनिस्ट समूह का हिस्सा है जिसने आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली में कई आत्मघाती हमलों की योजना बनाई है। अमर दिल्ली में अपने घर लौटता है जहाँ उसके परिवार ने केरल की प्रीति नायर यानी प्रीति जिंटा को उसके लिए एक संभावित दुल्हन के रूप में पाया है। अमर प्रीति से शादी करने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं है कि वह कभी मेघना से दोबारा मिल पाएगा। प्रीति के साथ अपनी डेट पर अमर ने मेघना को सहयोगियों से एक किम को स्पॉट किया जिसने उसे पहले गायब कर दिया था मगर उसका पीछा कनॉट प्लेस तक किया, जहां स्थानीय पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद वह व्यक्ति खुद को साइनाइड की गोली से मारता है। स्थित के उग्रवादी प्रकट के कारण पुलिस घटना को सीबीआई को सौंप देती है। अमर के लिए बहुत आश्चर्य की बात है, मेघना दिल्ली में दिखाई देती है और अमर से आलिया के रेडियो ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी पाने में मदद करने के लिए कहती है। बाद में यह पता चलता है कि मेघना वास्तव में अपने आतंकवादी समूह के साथ दिल्ली पहुंचती है और ओह डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की एक भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमरीश पुरी ने अभिनय किया है। इसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था केतन मेहता ने, इसे लिखा था पार्वती बाल गोपालन ने। ये उत्पादित की गई थी केतन मेहता के द्वारा। इसमें कुल अभिनेता हैं शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें संगीत दिया था रंजीत बरोटा ने। ये वितरित हुई थी केतन मेहता प्रोडक्शन के द्वारा। ये रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये इस मूवी की लंबाई 157 मिनट है। ये हिंदी भाषा में भारत में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 2.25 करोड़ रुपये है। अब आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। डॉन क्विस्कोट यानी अमरीश पुरी एक डॉन है जो व्यापक रूप से प्रचलित नीलामी में भारत को बेचने की योजना बना रहा है। उसकी योजना सरल है, राष्ट्रपति यानी अनुपम खेर अपहरण कर ले, उसकी जगह एक हमशक्ल यानी अनुपम खेर भी ले ले, डराए और नकली राष्ट्रपति को भारत बेचने के लिए मजबूर करे। हीरो यानी शाहरुख खान बॉम्बे में नया है और टूट गया है। मिस इंडिया यानी दीपा शाही उस रात को जीने में व्यस्त है। जब वह हीरो से मिलती है तो मिलते हैं और किसी भी तरह से एक दूसरे का मनोरंजन करते हुए रात बिताने का फैसला करते हैं। इस बीच डॉन विस्फोटक के बेटे प्रिंस यानी जावेद जाफरी की निगाहें मिस इंडिया पर टिकी हैं जो उससे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। रात हीरो और मिस इंडिया के लिए एक साहसिक रात बन जाती है। हीरो को पता चलता है कि मिस इंडिया के पिता एक शराबी हैं जो चाहते हैं कि वह बेसा व्रत में प्रवेश करे, जबकि मिस इंडिया को पता चलता है कि हीरो को ब्रेन ट्यूमर है। जब उन्हें क्विस्कोट की योजनाओं का पता चलता है तो वे राष्ट्रपति को बचाने का फैसला करते हैं। कुछ दंगों में क्विस्कोट मारा जाता है और प्रिंस उसकी गद्दी संभाल लेता है। प्रिंस अपने पिता की योजना को जारी रखने का फैसला करता है। हीरो और मिस इंडिया भेष बदल कर उस सभागार में प्रवेश करने का प्रबंध करते हैं जहाँ नीलामी हो रही है। राजकुमार अपने पिता के डॉन पोशाक में अचानक अपने अनुचरों के साथ प्रवेश करता है। हीरो मिस इंडिया और उनके दोस्त सफलतापूर्वक क्रेनियों पर काबू पा लेते हैं। हीरो और मिस इंडिया द्वारा पहले बचाए गए कुछ लोगों ने नकली राष्ट्रपति को मार डाला, उनके मुंह में एक नली ढकेल दी जिससे उनका पेट फूल गया और फट गया। जब प्रिंस हीरो और मिस इंडिया पर हमला करता है जिससे वे दोनों कांच तोड़कर इमारत से बाहर गिर जाते हैं तो हीरो और मिस इंडिया प्रिंस के शरीर के लिए भारतीय झंडे से एक पैराशूट बनाते हैं। कूदने के दौरान राजकुमार की मौत हो जाती है। हीरो और मिस इंडिया एक ही छत पर उतरते हैं हैंडबल डेकर बस और हीरो ने घोषणा की कि वह जिंदा होने से खुश है। जब मिस इंडिया उसे याद दिलाती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है तो हीरो उसे बताता है कि उसने जो एक्सरे देखा था वह 1.5 साल पहले किया गया था। शाहरुख खान ने इसमें हीरो के रूप में भूमिका निभाई है, दीपा शाही ने इसमें मिस इंडिया बनी है और डॉन क्विस्कोट के रूप में अमरीश पुरी हैं, जावेद जाफरी डॉन के राजकुमार के रूप में हैं, अनुपम खेर भारत के राष्ट्रपति नाथुराम के रूप में हैं और भी इसमें बहुत सारे किरदार हैं। इस फिल्म में कुल 11 गाने हैं जिनके बोल हैं तो इस पे मरता हूँ, पर मिला, आजा आजा, रात है कयामत, खुल्लम खुल्ला, चू लेने दे और ओ डार्लिंग ये है इंडिया, मैं हूँ कौन, पब्लिक को हंसाओ, बाप रे बाप, प्यार बेचती हूँ, जिसे गाया था रंजीत बरोट, अली सचिनाय, शंकर महादेवन, हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी, नुसरत फले अली खान, श्वेता शेट्टी और हेमा दरसाई,
शंकर महादेवन, रघुवीर यादव, विनोद राठौड़, सुदेश भोसले, जावेद जाफरी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ डार्लिंग ये है इंडिया मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ओ डार्लिंग ये है इंडिया केतन मेहता द्वारा निर्देशित 1995 की भारतीय संगीतमय पैरोडी फिल्म है, जिसमें शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी और अमृत पुरी ने अभिनय किया है, जिसमें अनुपम खेर भी सहायक भूमिका में है। ये डायरेक्ट की गई थी केतन मेहता के द्वारा, प्रोड्यूस की गई थी केतन मेहता के द्वारा और ये लिखी गई थी पार्वती बलागोपालन के द्वारा। इसमें स्टारिंग थे शाहरुख खान, दीपा शाही, जावेद जाफरी, अनुपम खेर, अमरीश पुरी और संजय मिश्रा। इसमें म्यूजिक दिया था रंजीत बरोट ने। ये मूवी रिलीज हुई थी 11 अगस्त 1995 को। ये थी 157 मिनट की मूवी। इसका बजट था 2.25 करोड़ रुपए और ये हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसमें शाहरुख खान एक हीरो के रूप में थे, दीपा शाही आज मिस इंडिया के रूप में थी और अमरीश पुरी अजय डॉन क्यूस्टोन के रूप में थे, जावेद जाफरी अजय प्रिंस डॉन के रूप में थे, अनुपम खेर अजय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी नाथूराम के रूप में थे। तो चलिए बात करते हैं इसके साउंड ट्रैक की। इसमें पहला सॉन्ग था तुझ पे मरता हूँ, जिसको गाया था रंजीत बरोट और अलीसा चेन्नई ने, और दूसरा सॉन्ग था पर मिला, जिसे गाया था शंकर मधुवन ने, तीसरा सॉन्ग था आजा आजा, जिसे गाया था हेमा सरदेसाई, अंतरा चौधरी और नुसरत फतेह अली खान, चौथा सॉन्ग था रात है कयामत, जिसे गाया था श्वेता शेट्टी ने, पाँचवा सॉन्ग था लम खुल्ला, जिसे गाया था शंकर माधवन हम्मा सरदेसी ने, छठा सॉन्ग था छू लेने दे, जिसे गाया था शंकर मधवन हेना सरदेसी, सातवां सॉन्ग था ओ डार्लिंग ये है इंडिया, जिसे गाया था शंकर मधवन हेमा सरदेसी, रघुवर यादव, आठवां सॉन्ग था मैं हूँ कौन, जिसे गाया था विनोद राठौड़, नवा सॉन्ग था पब्लिक को हंसाओ, जिसे गाया था शंकर महादेवन और सुरेश भोसले, दसवां सॉन्ग था बाप रे बाप, जिसे गाया था जावेद जाफरी और शंकर मधवन ने, गेरवा सॉन्ग था प्यार बेचती हूँ, जिसे गाया था हेमा सरदेसी ने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल से मूवी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल से 1998 में बनी रोमांटिक थ्रिलर हिंदी फिल्म है, जो आतंकवाद और उत्तर पूर्वी राज्यों के तनाव पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम ने किया है, वही निर्माता राम गोपाल वर्मा तथा शेखर कपूर ने योगदान किया है। ये रिलीज हुई थी 21 अगस्त 1998 को भारत में हिंदी भाषा में और असमी और तमिल भाषा में रिलीज हुई थी। इसे तमिल में उतरे तथा तेलुगु में प्रेमत्तु नाम से रिलीज किया गया था। इसके मुख्य किरदार शाहरुख खान, मनीषा कोइराला तथा नवोदित अभिनेत्री प्रीति जिंटा थे। फिल्म की पटकथा मणिरत्न ने तिग्मांशु धूलिया के साथ लिखी तथा इस फिल्म में संगीत ए आर रहमान ने दिया था तथा गीत को गुलजार ने कलमबंद किया था। यह रोचक संयोग है कि मणिरत्न की पिछली आतंकवाद विषय पर बनी रोजा और बॉम्बे के बाद यह तीसरी उनकी प्रस्तुत थी। फिल्म को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। संगीतकार ए आर रहमान को इसके लिए उस साल का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। अमरकांत वर्मा यानी शाहरुख खान ऑल इंडिया रेडियो के लिए कार्यक्रम कार्यकारी है, जो नई दिल्ली आसमा में उस शो को कवर करने के लिए भेजा जाता है। अपने रास्ते में एक बरसात की रात के दौरान अमर बाराक घाटी एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए हाफलोंग स्टेशन ट्रेन पर रुकता है। हाफलोंग ट्रेन स्टेशन पर रुकता है। जब वह इंतजार करता है तो वह धूम्रपान करने की कोशिश करता है और एक रहस्यमय व्यक्ति से मैच या लाइटर के लिए पूछता है। अचानक हवा का एक तेज झोंका उस व्यक्ति यानी मनीषा कोइराल को एक महिला होने का खुलासा करते हुए साल से उड़ा देता है। अमर उसे बहुत आकर्षक लगता है और बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे थोड़ा अनदेखा करता है और फिर उससे एक कप चाय मांगता है। जब वह चाय लेकर लौटता है तो वह देखता है कि वह अगली ट्रेन में 3 पुरुष यात्रियों के साथ सवार है और दूसरी और दूर तक सवारी करता है। बाद में अमर ने उसी महिला को सिलचर में स्पॉट किया। वह उससे बात करने का प्रयास करता है, लेकिन वह कहती है कि वह उससे पहले याद नहीं कर सकती। भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के अवसर पर आपने समाचार रिपोर्टिंग असाइनमेंट के हिस्से के रूप में अमर असम